नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। अगर आप में से कोई ऑनलाइन है और मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो प्लीज़। आलम साहब हेलो, कैसे हैं आप? राजेश जी वेरी गुड मॉर्निंग। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत है सर। अनिल जी हाउ आर यू? विनय जी गुड मॉर्निंग। मोहित जी थैंक यू सो मच, मोहित जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू अजीत जी थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आज के इस लाइव में। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को मैं अपने जीवन में शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत शुभ दिन माना जाता है। तो आप सभी लोगों को माँ सरस्वती का दिन होता है आज का, और माँ सरस्वती आपको कहते हैं ज्ञान की देवी है, तो आपको बहुत ज्ञान प्रदान करे। आप किसी भी फील्ड से हैं, किसी भी बिजनेस को आप कर रहे हैं, तो क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान के बिना जो है वो धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो माँ सरस्वती से मैं आप सभी लोगों के प्रार्थना करूँगा। आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी कंपनी के अंदर हैं, तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज बुद्धि ज्ञान दे, जिससे आप समृद्धि की तरफ बढ़ पाएं। तो आज का दिन विशेषकर बहुत शुभ है, और आज मुझे बहुत प्राउडली ये कहते हुए बड़ा खुशी भी हो रही है। और आज का लाइव जो है वो पूरा देखिएगा, अभी अगर वक्त नहीं है तो इसके बाद जब भी आपके पास वक्त हो इस लाइव को देखिएगा। और ये लाइव जो है कुछ समय के बाद मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि आज से हम अपनी जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है वीकेंड मल्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, क्योंकि आज से बढ़िया कोई शुभ दिन नहीं हो सकता है। वैसे तो 15 तारीख को मुझे स्टार्ट करना था, 15 फेब को मुझे इसे स्टार्ट करना था, लेकिन बीच में जो मेरे को अनाउंसमेंट करनी पड़ी एक एमरजेंसी में आके, तो क्यों किया था मैंने आपको बता दिया था। तो 15 तारीख को मुझे इसको स्टार्ट करना था, लेकिन इतने लोगों के फ़ोन आए उस वीडियो के बाद, जबकि उस वीडियो को मैंने कहीं और शेयर नहीं किया, सिर्फ मेरे यूट्यूब पर पड़ी हुई है और मेरे फेसबुक पेज पे वो वीडियो है जो मैं पिछले लाइव के अंदर आके मैंने अनाउंसमेंट किया था, और अदर ग्रुप में मैंने उसको शेयर नहीं किया था। उसके बाद आप सभी लोगों का, आप में से बहुत सारे लोगों के इतने फ़ोन आए कि व्हाट्सएप पे अलग मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स अभी अलग आ रही हैं, मैसेंजर जो मेरे 2-3 पेज चल रहे हैं सब पे मैसेंजर हैं, सबको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना प्यार इतना विश्वास आप जगा रहे हैं। तो आज का दिन देख के, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि सर रजिस्ट्रेशन कम से कम आप ओपन करा दीजिए, जबकि हमारी वेबसाइट जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मैं 15 फेब को प्री लॉन्च करना था मुझे, और मार्च में मेरे को ये लॉन्चिंग करना था, लेकिन वो जो हमारी जो अंडर कंस्ट्रक्शन में जो वेबसाइट चल रही है उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, वेबसाइट जो हमारे ऑपरेटर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है सर एक आपको ज्वाइनिंग का लिंक जो है हम आप दे रहे हैं। तो आज आप सभी लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आज से हम लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कंपनी का वीकेंड का। जैसा कि आपको मतलब है कि हम कर सकते हैं, और 15 तारीख के बाद आईडी एक्टिवेशन होंगी। जो आईडी एक्टिवेशन होंगी वो 15 तारीख के बाद होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। तो आईडी एक्टिवेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आज आपको लिंक मिल जाएगा, जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से, या मुझे आप पर्सनल कॉल करके लिंक ले सकते हैं। 3 बजे के बाद आप मेरे से वो लिंक ले लेंगे और अपनी अपनी आईडी जो है सही समय पे आप लोग प्लेस कर सकते हैं, और 15 तारीख के बाद हम लोग आईडी एक्टिवेशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आज बात करने आया हूँ, कंपनी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी स्टार्टिंग मुझे क्यों करनी पड़ी, और इसका विजन क्या है, और इसका मार्केटिंग प्लान क्या है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझसे पीडीएफ मांग रहे हैं कि सर पीडीएफ दे दीजिए। तो पीडीएफ तो मैं आपके पास भेज सकता हूँ, लेकिन उस पीडीएफ को हो सकता है बहुत हल्के में ले लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ से समझ में नहीं आती हैं। वैसे तो मार्केटिंग प्लान का एक बहुत शानदार वीडियो भी मैं बना रहा हूँ जो जल्दी आपको मिल जाएगा, लेकिन आज पूरे प्लान का ओवरव्यू जो है लास्ट में मैं आपको दूंगा, इसलिए अंतिम समय तक इस लाइव में आप रहिए। बहुत सारी चीज़ें आप डायरेक्ट सेलिंग को लेके, और क्यों हम इस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, ये विजन जो है कहीं ना कहीं आज जो हमारा है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वीकेंड का मतलब। वीकेंड का जो मतलब है वो है हम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, ट्रेडिशनल मार्केट में हो सकता है आप कोई अकेले काम करें आप सफल हो जाएं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर या कोई अलग प्रोफेशन आप अपना रहे हैं तो वहां पे भी हो सकता है आप अलग, आपके अंदर कुछ स्किल्स हो, क्वालिटी हो, आप कामयाब हो जाए।
लेकिन आपका भी मानना है, मेरा भी मानना है, इस इंडस्ट्री का भी मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अकेला आदमी, एक अकेला लीडर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। यहां पे आपको टीम वर्क काम करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जो अकेले लगे हुए हैं, टीम के साथ काम ही नहीं करते, वो कभी सफल नहीं होते हैं। लेकिन आप हर उस व्यक्ति को सफल होते हुए देखेंगे जो टीम वर्क में काम करता है, टीम के साथ मिलकर काम करता है, वो सफल होंगे। अभी तक की जो मेरी जर्नी रही, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग आए, मैं लगभग मुझे 22-23 साल इस इंडस्ट्री में हो गए। शुरू में हमें कुछ नहीं आता था, हम भी अपना दिमाग लगाते थे इंडस्ट्री के अंदर, हम भी इसे गलत समझते थे। कोई भी व्यक्ति जब मुझे बोल देता था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ठीक नहीं है, मैं उसका कहना मान लेता था, क्योंकि हम एजुकेशन नहीं लेते थे इस इंडस्ट्री की। बहुत नुकसान करने के बाद फिर हमें समझ में आया कि बगैर एजुकेशन, बगैर सीखे इस इंडस्ट्री में आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद हमने सीखना शुरू किया, टीम बननी शुरू हुई, जिम्मेदारी उठानी शुरू की, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी शुरू की, और बहुत सारे लोग मेरे जीवन में आए। मैंने लगभग 4-5 कंपनियों को किया है, बहुत सारे लोग मेरे जीवन में आए, उनमें से बहुत सारे लोग आज मेरे साथ नहीं है। आज इस कंपनी को स्टार्ट करने जा रहा हूं तो वो सारे लोग जो शुरू से लेकर अब तक, वो सब मेरे साथ नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं अभी आगे जिक्र करूंगा। और अभी भी जो पिछली कंपनी में मेरे साथ थे, उनमें से भी बहुत अच्छे लीडर, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा उठना बैठना था, कभी सोचा नहीं था, ऐसा लगता था कि जीवन भर शायद उनका साथ जो है हमें मिलेगा, और वो साथी भी आज इस कंपनी के अंदर मुझसे दूर हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका फोन आ रहा है, ऐसे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जो 2-2 साल से इस इंडस्ट्री में खाली बैठे हुए हैं, ये सोच के कि हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा कि मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, दोस्त बड़ी खुशी हो रही है आज ये बताते हुए कि उनके फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं कि सर अब हम आपके साथ रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये मेरी अचीवमेंट है। और पिछली कंपनी के बहुत सारे लोग आज मेरे साथ नहीं है, उनके अलग डिसीजन है, अलग वो यात्रा पे निकल चुके हैं, उनके बारे में अभी थोड़ा मैं आगे जिक्र करूंगा थोड़ा सा। तो यहां पे टीम वर्क, डायरेक्ट सेलिंग में टीम वर्क काम होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के हमने नाम रखा वीकेंड। बहुत सिंपल नाम है, और जब भी कोई व्यक्ति हमसे कहेगा कि मुझसे नहीं होगा, तो हम एक ही बात बोलेंगे, सर आपसे नहीं होगा, हो सकता है मुझसे ना हो, लेकिन अगर हम दोनों मिल जाए तो बहुत बड़ा हो सकता है। यानी कि हम सब मिलकर काम कर सकते हैं, ये हमारा एक नाम का जो है उद्देश्य है, नाम का जो है वो विजन है। सबसे पहली चीज जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जाऊंगा, हो सकता है लाइव आज लंबा हो जाए मेरा, वैसे तो आपने मेरे बहुत लंबे लंबे लाइव देखे हैं और शेयर किए हैं, और आज के इस लाइव को भी जरूर आप शेयर कीजिएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट आज बात करूंगा। सबसे पहले इस कंपनी को जो शुरू किया है, इस बात को समझ लीजिए, ये कंपनी जल्दबाजी में शुरू हुई कंपनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस रात को मैं सोया, अचानक मेरे मन में आ गया कि यार कंपनी शुरू कर लेता हूं। इस कंपनी को शुरू करने के लिए पिछले 3 महीने से मैं आत्ममंथन कर रहा हूं, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। और इन 3 महीनों के अंदर, जब से मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं इस इंडस्ट्री को एज ए डायरेक्ट सेलर छोड़ रहा हूं, तब से बहुत सारी कंपनी मैनेजमेंट के, बहुत सारे लीडर्स के, सम्मानीय लीडर्स के मेरे पास फोन आए अदर कंपनी से कि सर आप हमारी कंपनी में आइए, और बहुत अच्छे अच्छे ऑफर मुझे मिले कि अगर आप हमारी कंपनी में आते हैं तो बहुत कुछ आपको मिल सकता है। तो मेरे पास चॉइस थी किसी भी अच्छी कंपनी में जाके मैं ज्वाइन करूं और अपने करियर को सेव करूं। लेकिन एक सवाल बार बार आ रहा था कि अगर उस कंपनी में भी फिर कुछ गलत काम हुआ तो मुझसे सहन नहीं होगा और मैं शायद उस कंपनी को छोड़ दूंगा। क्योंकि होता क्या दोस्त, आप और हम बहुत भरोसे से किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, किसी लीडर के साथ जुड़ते हैं। जब आप किसी कंपनी के मालिक से मिलते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। आज मैं भी कर रहा हूं, आपको भी लगेगा कि शायद मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा जब बैकग्राउंड चेक करेंगे, उनका जब बैकग्राउंड चेक करेंगे, तो आपको पता लगेगा दोनों में कितना फर्क है। तो हम किसी के मालिक के भरोसे पर जाकर उस कंपनी के अंदर जुड़ते हैं और अपना नाम, अपनी पूरी टीम, अपना पूरा समय दांव पे लगाते हैं। हम मेहनत करते हैं, आप मेहनत करते हैं, जब जाके वो कंपनी पैसा देती है, और कुछ समय के बाद पता लगता है कि कंपनी ने जो वादे आपसे किए थे या कंपनी की जो आइडियोलॉजी थी, वो समय समय पे चेंज हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी से गलती नहीं होती है, हर कंपनी से गलतियां होती है, हर इंसान से गलतियां होती हैं। हम भी काम शुरू करेंगे, हमारे काम में, हम जब काम शुरू करेंगे, हमारे से भी गलतियां होंगी। लेकिन एक अच्छा इंसान कौन सा होता है, जो अपनी गलतियों से सीख ले ले। या फिर अच्छा इंसान कौन सा होता है, सबसे बड़ा इंसान कौन सा होता है, जो दूसरों की गलती से सीख ले ले।
दूसरे ने अगर कोई गलती की है वो गलती हम अपने बिजनेस में ना दोहराएं, यही स्मार्ट वर्क है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहे। कल भी मैंने एक लाइव देखा, एक कंपनी के सीईओ आए हुए थे, उन्होंने कल में 50 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हवा में। इसका मतलब अपनी पुरानी गलतियों से हम सीख नहीं रहे हैं। और उनके सब जो लोग हैं, उनकी जो टीम के लीडर हैं, वो कह रहे हैं वेरी गुड सर, मजा आ जाएगा, 40-50 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे। दोस्त, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने से आपके घर में इनकम नहीं आएगी। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने से इनकम आई होती, या बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली ही कंपनी सबसे बढ़िया होती, तो मैं एक ही बात इस प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूंगा कि आरसीएम से बढ़िया फिर कोई कंपनी नहीं है इस दुनिया के अंदर, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट है। तो आज से नहीं है, ये तो लोग आज बात कर रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइस आज से नहीं है। अफोर्डेबल प्राइस आरसीएम पता नहीं कितने सालों से दे रही है। तो पहली बात बता देता हूं, वीकेंड को मैंने बिल्कुल भी जल्दबाजी में शुरू नहीं किया है कि रात को बस विचार आया गुस्से के अंदर और मैं कंपनी को स्टार्ट कर देता हूं। तो जल्दबाजी में शुरू की गई कंपनी नहीं है। दूसरा, किसी और को देखकर यह कंपनी शुरू नहीं हुई है। बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, अच्छा वो कर सकता है, वो तो मेरी टीम के अंदर था, वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी नई कंपनी खोल सकता हूं। दोस्त, कंपनी खोलने में कुछ नहीं लगता। 20-30 हजार में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 1-1.5 लाख में बढ़िया कंपनी का सॉफ्टवेयर बन जाता है, 2-3 लाख के अंदर से 1-2 प्रोडक्ट से आप कंपनी लॉन्च कर सकते हैं। कंपनी स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके पीछे की व्यवस्था, आपका विजन क्या है, क्या आपने जल्दबाजी में कंपनी को शुरू किया है? आज जितने भी कंपनी को आप देख रहे हैं जो टॉप पे हैं, चाहे वो एमवे हो, चाहे वो मोदी केयर हो, चाहे वो आईएमसी हो, चाहे वो वेस्टीज हो, चाहे वो आरसीएम हो, चाहे वो हर्बल लाइफ हो, चाहे वो टप्परवेयर हो, इनमें से बहुत सारी कंपनियों की शुरुआत जीरो से हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं नई कंपनी नहीं कर पाएंगी, लेकिन हमें उसके पीछे के मकसद को देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति ने कंपनी को शुरुआत किया है उसका शुरुआत करने का रीजन क्या है। क्या उसने जल्दबाजी में बिजनेस को शुरू कर दिया, या किसी और व्यक्ति से जेलसी में आके, या किसी और व्यक्ति के कंपटीशन में आके, या किसी और व्यक्ति को देख के कि ये कंपनी चला सकता है तो यार मेरे पास भी अनुभव है, मेरे पास भी टीम है, मुझे भी बोलना आता है, मैं भी कंपनी को स्टार्ट कर सकता हूं। ये जितनी कंपनियों के मैंने आपको नाम लिए, इन दोनों में से उन्होंने कंपनी को स्टार्ट नहीं किया था। जितने भी रेपुटेड कंपनियों के मैंने आपके बीच में नाम लिए, या और भी बहुत सारी रेपुटेड कंपनी पिछले 3-4 सालों से हिंदुस्तान में चल रही हैं, एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां जो रेपुटेड चल रही है और बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, इन सब ने बहुत सोच समझ के कंपनी को स्टार्ट किया। तो पहली बात, मैंने जल्दबाजी में कंपनी स्टार्ट नहीं किया। दूसरा, किसी को देख के मैंने कंपनी स्टार्ट नहीं किया। और तीसरा, पैसे के लालच में मैंने कंपनी को स्टार्ट नहीं किया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 20 दिन पहले भी इतना बड़ा ऑफर था मेरे पास। एक आदमी पूरी जिंदगी में जितना पैसा नहीं कमाता उतना पैसा अजय शर्मा के अकाउंट में आने के लिए तैयार था, लेकिन मैंने कहा अब नहीं, ये काम तो आज तक किया ही नहीं है, बहुत डर लगता है इस काम के अंदर। लेकिन बहुत सोच समझ के, आत्ममंथन के बाद मैंने इस कंपनी को शुरू किया। और इस कंपनी को शुरू करने के पीछे का मकसद पैसा बटोरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग में खुली और बंद हुई, उनका मकसद सिर्फ एक ही था, किसी भी तरीके से पैसा बटोर के भाग जाओ या बंद कर दो। चौथी बात अगर मैं बात करूं, और ना ही मैंने किसी के भरोसे पे ये कंपनी खोली है। बहुत सारी कंपनियां पता कैसे खुलती हैं, बहुत सारी कंपनियां से खुलती हैं, अच्छा वो लीडर भी मेरे साथ काम कर लेगा, वो लीडर भी मेरे साथ काम कर लेगा, ये लीडर तो कहीं जाएंगे नहीं, इतनी टीम तो अपने पास है, 100-200-500 लोगों की, इनसे कंपनी स्टार्ट करेंगे फिर धीरे धीरे बिजनेस बढ़ जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर को देखा है, मैं बहुत सारे ऐसे लीडर को जानता हूं जो कंपनी शुरू करने से पहले कैलकुलेशन लगाते हैं कि ये आदमी मेरे साथ काम करेगा ही करेगा। उन लोगों के भरोसे पे कंपनी स्टार्ट होती है कि ये तो करेगा ही करेगा। दोस्तों, 3 महीने से आत्ममंथन कर रहा हूं, आज लाइव में खुल के बोल रहा हूं, प्राउडली बोल रहा हूं, मुझे कहते हुए कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है। जिस दिन इस कंपनी का मेरे मन में विचार आया था, ये सोच के विचार आया था कि मेरे पुराने साथियों में से एक भी साथी अगर नहीं आएगा तब भी अजय शर्मा अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करेगा, क्योंकि अजय शर्मा को 23 सालों में टीम बनानी आती है। मैं जिस कंपनी में गया हूं, जो मेरे साथ आए मैं उनको नहीं जानता था, हमने टीम बनाई है दोस्त, और जो साथी मुझे छोड़ के गए उनको भी मैं नहीं जानता था, उनसे पहले मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर नाम था। तो एक चीज क्लियर कर देता हूं,
मैं किसी के भरोसे पे कंपनी नहीं खोल रहा हूं, मैं अपने भरोसे पे कंपनी खोल रहा हूं, जो 25 साल के अंदर मैंने सीखा है, जो 25 साल से मैंने ईमानदारी बरकरार रखी है, उस ईमानदारी के दम पे, अपनी एजुकेशन के दम पे मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, किसी के कंपटीशन में आने के लिए मैंने इस कंपनी को स्टार्ट नहीं किया है, किसी के कंपटीशन में मेरे को स्टार्ट, मेरी अपनी अलग आइडियोलॉजी होगी, हमारी कंपनी का अलग काम करने का तरीका होगा। ये इंडस्ट्री सबके लिए खुली हुई है दोस्त, ये इंडस्ट्री सबके लिए खुली हुई है, कोई भी कंपनी खोल सकता है, कोई भी कंपनी स्टार्ट कर सकता है। हां, मार्च के बाद इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कि कोई बड़ी कंपनी टिकेगी, मार्च के बाद इस इंडस्ट्री में वही टिकेगा जो गवर्नमेंट के सारे नियम को फॉलो कर रहा होगा और ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि जिन्होंने आज कंपनी खोली या दो महीने पहले कंपनी खोली या तीन महीने पहले कंपनी खोली उनकी बंद हो जाएगी। जो गवर्नमेंट के नियम कानून को फॉलो करेगा वो चलेगा, और जो फॉलो नहीं करेगा वो इस इंडस्ट्री से आउट होगा, आउट होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अब डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बड़ी स्ट्रिक्ट होने वाली है, बड़ी सख्त होने वाली है, और ऑलरेडी हो चुकी है। इस पर फिर किसी दिन हम चर्चा करेंगे। तो पहली चीज, जल्दबाजी में कंपनी नहीं खोली है दोस्त। दूसरी चीज, किसी को देख के मैंने कंपनी शुरू नहीं किया, अरे उसने कंपनी खोल ली तो मैं भी खोल लेता हूं, ऐसे ऐसे कंपनियां नहीं चलती हैं। मैंने किसी के भरोसे पे कंपनी नहीं खोली कि वो लीडर आ जाएगा तो मैं कंपनी चलाऊंगा, वरना तो यार मेरे से तो कंपनी चलेगी नहीं, क्योंकि अजय शर्मा ने हमेशा अपने दम पे काम किया है, और बहुत सारे लोगों को अजय शर्मा ने अपनी खुद की लैग गिफ्ट की है, तब लोग कामयाब हुए हैं, ये छुपा हुआ नहीं है किसी से। और किसी से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, हमारी अलग आइडियोलॉजी होगी, मेरे साथ जो भी आएगा हम एक अलग आइडियोलॉजी, एक अलग सिस्टम के साथ काम करने वाले हैं। हमारी कंपनी की कुछ यूएसपी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारी कंपनी की पहली यूएसपी है कि हमारी कंपनी में कोई भी पार्टनर नहीं है, नो पार्टनरशिप। मेरे पुराने साथी मेरे से नाराज हो गए हैं, और क्योंकि उन्होंने मुझसे पार्टनरशिप की डिमांड की थी, मैंने उनको मना किया, वो नाराज हो गए, और वो लोग अपनी कंपनी फर्म कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो मेरी इस बात को समझ ही नहीं पाए। आज भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आपकी कंपनी में पार्टनर तो नहीं है, पार्टनर कौन है? तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, अजय शर्मा अपनी ईमानदारी की गारंटी दे सकता है, किसी दूसरे आदमी की ईमानदारी की गारंटी अजय शर्मा नहीं दे सकता। अजय शर्मा जो आपसे वादा कर रहा है, मैं उस वादे को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन मेरे साथ अगर कोई दूसरा पार्टनर है, उसकी नीयत क्या है, उसकी सोच कब बदल जाए, उसकी जिम्मेदारी अजय शर्मा की नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम सामने वाले के मन में क्या चल रहा होगा। तो कुछ लोग नाराज हो गए मेरे से इस बात पे कि ये तो पार्टनरशिप नहीं दे रहे हैं कंपनी में। मेरा पार्टनरशिप ना देने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, उनके फादर से भी मैंने बात की, उनके घर भी जाके मैंने बात की, कि पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होती है, पार्टनरशिप नहीं चल पाती है, मेरी सोच के हिसाब से नहीं चल पाती है। वैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी कंपनी में भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आए तो मैं किसी और पे डालूं कि फलाना आदमी भी कंपनी के अंदर है, उससे पूछो। अजय शर्मा अगर कंपनी शुरू कर रहा है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अजय शर्मा की होगी, अगर कंपनी में कोई दिक्कत आ रही है तो अजय शर्मा की होगी, इसका ठीक रहा अजय शर्मा किसी और के सर पे नहीं फोड़ना चाहता। लेकिन मुझे लोग समझ नहीं पाए, मुझे लोग पहचान नहीं पाए, तो वो एक अलग मैटर है। तो सबसे पहली यूएसपी हमारी कंपनी की, हमारी कंपनी में कोई भी पार्टनर नहीं है। 50% क्योंकि कंपनी में चलाने के लिए, प्राइवेट लिमिटेड के लिए दो पार्टनर चाहिए होते हैं, तो एक मैं हूं, एक मेरी वाइफ है, 50-50% के पार्टनर है। कभी भी आप आके ऑनलाइन भी देख सकते हैं और मेरे पेपर भी चेक कर सकते हैं, दोनों के 50-50% के शेयर है। दूसरी यूएसपी है, हमारी कंपनी में कोई फाइनेंसर नहीं है, किसी भी तरीके का लोन नहीं है, किसी भी तरीके का बैंक से हमने पैसा नहीं लिया है। पहले दिन से जो कंपनी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी खुद के पैसे से हम लोग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, और वो पैसा वो है जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। ऐसा नहीं कि बेईमानी करके कमाया है, आज अकाउंट में पैसा आ गया और मैं कंपनी शुरू कर रहा हूं। मैंने जो कंपनी शुरू की है वो कंपनी इसलिए शुरू की है क्योंकि मैं काम करना जानता हूं। तो कोई भी फाइनेंसर हमारी कंपनी के अंदर नहीं है, कोई लोन हमारी कंपनी के ऊपर नहीं है। तीसरा, हमारी कंपनी का जो परम कर्तव्य होगा वो होगा वर्क विद 100% एथिक्स। 100% एथिक्स पे हम लोग काम करने वाले हैं। अब ये एथिक्स और एथिकल वर्ड जब भी कोई बोलता है ना मेरे सामने, खासकर मैं बताऊं,
तो मुझे एथिकल वर्ड में ही अनएथिकल नजर आता है, क्योंकि किसी एक इंसान की वजह से एथिकल 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 3 साल हमने खराब किए। दोस्त, कंपनी का कुछ नहीं जाता, लीडर के ऊपर दाग लगता है, लीडर के ऊपर जो है डेंट लग जाता है कि अरे यार तुमने फिर कंपनी छोड़ दी। कंपनी क्यों छोड़ी उसके पीछे कोई नहीं जाता है। तो हमारी कंपनी 100% एथिक्स पे काम करेगी, कोई भी अनएथिकल एक्टिविटी मेरी कंपनी के अंदर नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वीडियो रिकॉर्डिंग को आप संभाल के रखना, मैं उन कंपनी के मालिकों की तरह नहीं बनना चाहता जिन्होंने पीछे क्या बोला और आज क्या बोल रहे हैं। अपने खुद के लाइफ को जो लोग भूल जाते हैं, उस तरीके से हम लोग कंपनी स्टार्ट करने नहीं जा रहे हैं। तो 100% एथिकल वर्क जो है वो हमारी कंपनी के अंदर होगा। स्लो एंड स्टडी चलेंगे, कोई हो हल्ला नहीं करने वाले हम लोग, कोई धूम धड़ाका करने वाले नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने वर्ल्ड की इंटरनेशनल जो नंबर 1 कंपनी है उसके अंदर काम किया है, तो वहां पे वो बताते हैं कि स्लो एंड स्टडी ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बिजनेस है। बहुत सारी कंपनियों ने तो ये बोल दिया 3 महीने में आप लखपति करोड़पति बन जाओगे। यार ये बिजनेस आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को सिक्योर करने का बिजनेस है, तो स्लो एंड स्टडी सीखते हुए चलना है। और सीखने में दोस्त वक्त लगता है। कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में जुड़ता है और आप किसी दूसरे के पेआउट दिखा के कहते हो देख ये 6 महीने में 3 लाख पे पहुंच गया तो तू भी पहुंच जाएगा, कैसे यार? वो 6 महीने वाले की नॉलेज तो देखो, वो 6 महीने वाले के साथ कितनी बड़ी टीम आई है वो तो देखो, उस 6 महीने वाले को कंपनी ने कितना सपोर्ट किया वो तो देखो। मेरा मानना है कोई भी नया व्यक्ति 6 महीने के अंदर लखपति करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग से नहीं बन सकता, टाइम लगता है। तो हम स्लो एंड स्टडी चलने वाले हैं, हम कोई धूम धड़ाका नहीं करने वाले, हम लोग फालतू की बातें नहीं करने वाले हैं, बहुत ईमानदारी से बहुत स्लो स्टडी के साथ हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाने चाह रहे हैं। 5वीं जो यूएसपी हमारी रहेगी वो है सिंपल प्लान रहेगा, सिंपल प्लान रहेगा, साधारण प्लान, क्योंकि मैं ये देख चुका हूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितना टफ प्लान होता है, इनकम डालने को आप 20 इनकम डाल दीजिए। अभी एक मार्केटिंग कंपनी का प्लान देख रहा था, 17 तरीके की इनकम डाल रखी है उन्होंने। अब 17 तरीके की इनकम याद ही नहीं होती किसी से, मिलेगी नहीं मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम जो प्लान आपके बीच में लेके आ रहे हैं वो प्लान बिल्कुल सिंपल होगा, साधारण होगा, क्योंकि जब प्लान सिंपल होता है साधारण होता है तो डुप्लीकेशन तेज होता है आपकी टीम में, समझाने वाले बहुत तेज आते हैं, और जिसकी टीम में समझाने वाले बहुत तेज आते हैं उनकी इनकम बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो सिंपल प्लान होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट अभी हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं, ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। शुरुआत हम लोग कर रहे हैं बहुत छोटे एक रेंट के ऑफिस से कर रहे हैं, जबकि मेरा खुद का फ्लैट है वो अभी रेंट पे दे रखा है, तो इन फ्यूचर हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे अपने खुद के फ्लैट में, क्योंकि उसको 1-2 महीने का टाइम देना पड़ता है खाली कराने के लिए। तो उनको हमने बोल दिया है, कुछ समय के बाद उन्होंने हमें मांगा सर 3-4 महीने का हमें टाइम दे दीजिए, तो हमने उनको 3-4 महीने का टाइम दे दिया है कि ठीक है आप रखिए, वरना मेरा खुद का फ्लैट है जिसमें मैं अपना शुरू कर सकता था। लेकिन अभी हम बहुत छोटे से रेंटेड ऑफिस में अपने कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियों को मैंने ओवर एक्सपेंसेस के चक्कर में बंद होते हुए देखा है। मुझे बहुत सारे साथी कह रहे थे सर बहुत शानदार ऑफिस बनाना है, बहुत शानदार ऑफिस बनाना है, लोग देखें ऑफिस को। अरे भाई क्या शानदार ऑफिस बनाना है, 90% लोग तो आपका ऑफिस विजिट नहीं करते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है उसमें 90% लोग उनका ऑफिस विजिट नहीं करते हैं। हमें ऑफिस दिखा के बिजनेस नहीं निकालना है, हमें प्लान से और प्रोडक्ट से बिजनेस निकालना है। हमारे प्लान में ताकत होनी चाहिए, हमारी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी वाले होने चाहिए, तब बिजनेस निकलेगा। धीरे धीरे सोलन स्टडी जैसे मोला, धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो करेंगे फिर ऑफिस अच्छा बनाएंगे। जब तक आपके पास उतनी बड़ी व्यवस्था ना हो, कहते ना जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, और बहुत सारी कंपनियों को मैंने ओवर एक्सपेंसिस के कारण बंद होते हुए देखा। बहुत सिंपल बहुत साधारण मैं ऑफिस बना रहा हूं, क्योंकि ऑफिस से आपको सर्विस देनी है, उसके अलावा ऑफिस का कोई रोल नहीं होता है। तो बहुत छोटे से ऑफिस से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ओवर एक्सपेंसेस गलत काम करने पे भी मजबूर करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब उनके खर्चे नहीं निकलते हैं, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, ज्वाइनिंग कम आती है, तो उस वक्त वो गलत काम गलत टेक्निक्स अपनाना शुरू कर देते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। ऐसा काम हमारी कंपनी में बिल्कुल नहीं होगा। लोग कुछ भी बोलते रहे हमारे बारे में, हमें अपने तरीके से और जिन लोगों ने पुरानी गलतियां की हैं उनकी गलतियों को समझते हुए हमें अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है। सिंगल प्रोडक्ट से मैं कंपनी को स्टार्ट कर रहा हूं, सिंगल प्रोडक्ट लाने को। अभी मैं सोच रहा था यार जब कंपनी शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़ेगी, ईश्वर की कृपा से इतने मैन्युफैक्चरर के फोन आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं।
जयपुर से मेरे पास फोन आ चुके हैं, लुधियाना से मेरे पास फोन आ चुके हैं, महाराष्ट्र से मेरे पास फोन आ चुके हैं, उत्तराखंड से मेरे पास फोन आ चुके हैं, हर जगह से फोन आ रहे हैं कि सर हम आपका प्रोडक्ट बनाएंगे, आप नई कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्त प्रोडक्ट लॉन्च करने को आज मैं 30 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 प्रोडक्ट 30 प्रोडक्ट लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर्विस देना बहुत बड़ी बात है। लोगों को वो पसंद आएंगे या नहीं आएंगे उस चीज पे देखना बहुत बड़ी बात है। तो हम सिंगल प्रोडक्ट से अभी काम करने जा रहे हैं, क्या वो सिंगल प्रोडक्ट होगा और क्या प्लान होगा आगे मैं शेयर करूंगा, तो लाइव में बने रहिएगा। अब आप कहेंगे कि सिंगल प्रोडक्ट से क्यों, क्योंकि मैंने कहा है कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उससे सीख ले लीजिए, और बुरा काम कर रहा है तो उससे भी सीख ले लीजिए कि गलती क्या कर रहा है। एक कंपनी है रेंटस नोवा, अब वो क्या है कैसे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तक के जो उसके प्रोडक्ट के फीडबैक आ रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट से उस कंपनी ने काम किया है, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इस इंडस्ट्री के अंदर है, मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना था, मैं तो नाम भी लगभग 1.5 महीने से 2 महीने से सुन रहा हूं इसका, लेकिन इसके प्रोडक्ट की दुनिया तारीफ कर रही है। सिंगल प्रोडक्ट से कई सालों से कंपनी काम कर रही है और कई लोगों को कई लाख रुपए महीने पे पहुंचा दिया। अब मार्केटिंग प्लान पे मैं नहीं जाऊंगा, उनकी क्या आइडियोलॉजी है क्या करते हैं उस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं सिंगल प्रोडक्ट से भी कंपनी चल सकती है, और पहले भी बहुत सारी कंपनियां सिंगल प्रोडक्ट से कंपनी चल रही, और आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए क्या है। हम मीटिंग ट्रेनिंग में बताते तो बहुत हैं, बोलते तो बहुत हैं, समझते तो बहुत हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, लेकिन अपने शरीर के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं है, माया के पीछे भागते चले जा रहे हैं। एक आदमी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है और लास्ट में अपनी सेहत के ऊपर वो पैसा जो है हॉस्पिटल के अंदर खर्च करता है। तो हम हेल्थ केयर का एक बहुत शानदार प्रोडक्ट ला रहे हैं, इसकी चर्चा में थोड़ा सा आपसे आगे करूंगा। एक वादा है जो मैं आपसे करना चाहता हूं लाइव में, इस लाइव को आप डाउनलोड करके रखना, इस लाइव को एक वादा है जो मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूं, वो वादा यह है कि हमारी कंपनी में कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमारी कंपनी में कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा। कैसा काम? नंबर वन, किसी बड़े लीडर के लिए प्लेसिंग नहीं छोड़ी जाएगी पहले से। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं ना तो कुछ प्लेसिंग छोड़ देंगे बीच में, सर बाद में कोई बड़ा लीडर आएगा उसको हम, नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। जिसकी प्लेसिंग लग गई उसकी प्लेसिंग लग गई, उसके बीच में कोई प्लेसिंग नहीं होगी कभी भी। आप मेरे पास मेरे ऑफिस में आगे ट्री खोल के देख लेना, आज भी आगे भी और पूरी जिंदगी में कभी भी कितना भी बड़ा लीडर आ जाए, बड़ा लीडर किस बात का यार, बड़ा लीडर ये थोड़ी है कि ऊपर आके आपके ऊपर बैठ जाएगा आके, बड़ा लीडर है तो हमारी तरह जाए ना। हम गए थे ओके लाइफ केयर के अंदर, आदित्य कौल की वीकर में ज्वाइनिंग ली थी, वीकर में, और बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाया था। इसको बोलते हैं बड़ा लीडर, एक रुपया हमने नहीं लिया, इसको बोलते हैं बड़ा लीडर, इसको बोलते हैं आपकी स्किल इसके अंदर, इसको बोलते हैं आपको आपकी खुद की ताकत। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, परसों मुझे एक लीडर मिले, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बोला सर मैं एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर काम करता था और उसके तकरीबन हाईएस्ट रैंक पे मैं हूं। सर आप अपनी कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, कई सालों से आपको फॉलो कर रहा हूं, सर आपके साथ काम करना है। इससे पहले मैं नहीं जानता था उनको, मैंने पूछा रीजन, उन्होंने कहा सर जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था अभी कुछ दिन पहले उस कंपनी के ओनर ने मेरे ऊपर की आईडी अपने एक दोस्त को गिफ्ट कर दी, और जब उस लीडर को पता लगा उसने कंपनी के मालिक से पूछा कि भाई आईडी क्यों गिफ्ट की है, तो उसने बोला ये मेरा पुराना दोस्त है, हमने कई कंपनियों में काम किया था, अब हमारी कंपनी चलने शुरू हो गई है, तो ये कह रहा है यार अब मुझे काम करना है, तो तेरे बिजनेस को यार कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तेरे को अलग से हेल्प कर दूंगा। दोस्त इस छोटी सी वजह से उस बड़े लीडर ने उस कंपनी को छोड़ दिया है, आज हमारे साथ आने के लिए तैयार खड़ा। और उस लीडर के जो शब्द है मैं आपको बताना चाहता हूं, अजय सर मुझे आपसे एक रुपया नहीं चाहिए, एक सिंगल रुपया मुझे आपसे नहीं चाहिए, बस आप ईमानदारी से काम करिए सर, कंपनी को हम खड़ा करेंगे। लोग कहते हैं लोग नहीं आते, हम तो तब काम करेंगे जब वो टीम तैयार हो जाएगी, पहले उसको बताएंगे, पहले उसको बताएंगे। अरे भैया लोग तैयार है, आप काम शुरू तो करो। 1% लोगों ने अभी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन नहीं किया, हमारी गंदी आदतें पड़ गई हैं, हमारी गंदी आदतें ये पड़ी हैं, हम पक्का पकाया खाना चाहते हैं, हम उस लीडर को पकड़ना चाहते हैं जो पहले से ट्रेंड हो, जिसके पास टीम हो, कि बस वो आ जाए और मैं बैठे बैठे खाऊं। और यही हो रहा है इस इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही ना दोस्त, इस इंडस्ट्री के ग्रो ना होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हर कंपनी एक पके हुए लीडर को तोड़ती है, फिर दूसरी कंपनी पके हुए लीडर को तोड़ती है, यही चल रहा है। नए लोगों को सिखाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नए लोगों को सिखाओगे दोस्त टाइम लगेगा, लेकिन लोगों को बहुत जल्दी है, बहुत फास्ट लोगों को लखपति करोड़पति बनना है, तो नए लोगों को कौन ट्रेन करेगा, लोगों को पके पकाए लोग चाहिए। पिछले 15-20 दिन से मैंने अनाउंस किया है
अभी तक मैंने किसी एक सिंगल लीडर को फोन नहीं किया कि भाई साहब मेरे साथ आ जाओ, चाहे वो मेरी टीम में था या मेरी टीम में नहीं है, नहीं करूंगा किसी को फोन। रीजन है उसके पीछे, आपको मेरे ऊपर भरोसा है आप आइए, नहीं भरोसा है मत आइए। अभी एक लीडर थे हमारे साथ, वो कह रहे जी हमारी टीम को आपके ऊपर भरोसा नहीं है क्योंकि आपने कुछ प्रोडक्ट अनाउंस किए थे, घड़ी अनाउंस की थी वो नहीं दी। यार तीन घड़ी, हम साथ में बैठते हैं, हम 5-10 हज़ार रुपए खाने पे खर्च कर दिया मैंने कई बार आपके लिए। यार ये बात सुन के मेरी तो कुर्सी नहीं चलने लगी। मैंने कहा यार जिन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है मैं उनके साथ कैसे काम कर सकता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं हर टीम में ना एक ऐसा इंसान होता है उसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी नहीं पहचानोगे, ये 6 महीने बाद 8 महीने बाद मैं जिक्र करूंगा इस बात का। हर टीम में एक ऐसा इंसान है जो टीम में फूट डालने की कोशिश करता है, उस इंसान को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे एक बहुत अच्छे साथी जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, जिन्होंने मेरा बहुत रेस्पेक्ट किया, बहुत इज्जत की, सब कुछ किया उन्होंने मेरा, उनकी मैं पीठ पीछे तारीफ करता था और आज भी तारीफ करता हूं। कंट्रोल हो गया दिमाग पे किसी का और उस इंसान को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसने पहले बहुत सारे लोगों को उनसे अलग कर दिया और आज भी बहुत सारे लोगों को उनसे अलग कर रहा है। इतनी खतरनाक प्लानिंग है उस इंसान की, नहीं समझोगे प्रॉब्लम होगी, आज नहीं होगी कल होगी। इसीलिए मैं किसी को अपने साथ नहीं लेना चाहता, किसी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहता। तो हमारी कंपनी में कोई भी गलत काम नहीं होगा, पहली चीज मैं बता देता हूं। किसी बड़े लीडर की प्लेसिंग पहले से रिजर्व नहीं होगी, जो आएगा उसके साथ काम करना है, नया आएगा उसको सिखाएंगे, उसके साथ काम करेंगे, लेकिन ईमानदार आदमी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि जो गलत लोग हैं वो प्लीज मुझे कॉन्टेक्ट ना करें, मेरी कंपनी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मुझे ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं चाहिए जो पैसे का लालची हो, जो प्लेसिंग का लालची हो, मुझे नहीं चाहिए। ईमानदारी से ज्वाइनिंग आज से लगनी शुरू होंगी, उसके बाद जो आएगा हम उसके साथ काम करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट स्टडी में। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की एमजी नहीं दी जाएगी, ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की एमजी, एमजी जानते हैं मंथली गारंटी। अच्छा तुम्हारा 1 लाख रुपए का चेक है पिछली कंपनी में, हमारी कंपनी में आ जाओ 6 महीने तक 1 लाख रुपए फिक्स कर देंगे, यही चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर। क्या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, उस आदमी के लिए गलत नहीं है, कंपनी के लिए गलत नहीं है, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी की एक आइडियोलॉजी है। लेकिन जिस दिन अब सरकार को ये पता लगेगा ना, जब लोग खड़े होकर बोलेंगे कि सर ये तो लीडर्स को तोड़ के पैसा दे के फिर दूसरी कंपनी को तोड़ के इस इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं, तब पता लगेगा क्या होगा। ना उस आदमी के लिए गलत है ना कंपनी के लिए गलत है, उस आदमी की भी आइडियोलॉजी हो सकती है, कंपनी की भी आइडियोलॉजी हो सकती है। गलत पता है किनके लिए? गलत उनके लिए जो उसकी टीम में हजारों लोग और जुड़ रहे हैं, जो अपना घर बार छोड़ते हैं, जिनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास टिकट के पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास टाई खरीदने तक के पैसे नहीं होते, दोस्त प्रोडक्ट खरीदने तक के पैसे नहीं होते, दिन रात मेहनत करके वो लोग उनके चेक बनवाते हैं और वो लोग मोटी मोटी रकम जेब में रख के अपनी जिंदगी को ऐशो आराम करते हैं। ये हमारी कंपनी में बिल्कुल नहीं होगा। जितने लोगों ने मुझे कॉल किया है, जितने लोगों का मैंने नंबर नोट किए हैं अपनी डायरी के अंदर, मैं आपसे फिर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि मैं आपको किसी तरीके कोई पैसा दूंगा, मेरी कंपनी किसी तरीके का आपको कोई पैसा देगी, तो ये होने वाला नहीं है। प्लीज आप मुझे मना कर दें कि हमारी आईडी ना लगाएं, क्योंकि मैंने भाई साहब वो दिन देखे हैं, बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे को कोई हेल्प नहीं करता था, तब हमने काम किया है दोस्त। मैंने ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी अलग अलग कंपनी में भाई साहब, जिनको किसी ने चवन्नी नहीं दी, जिन्होंने अपने दम पे काम किया है और कंपनी उन लोगों को पैसा दे रही है जो मैनुपुलेट करते हैं, जो बेचारा आपकी कंपनी में दिन रात मेहनत कर रहा है उसको कुछ नहीं दे रहे आप, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, और बाहर से लीडर पकड़ पकड़ के उनके ऊपर बैठाते हो, बाहर से लीडर पकड़ पकड़ के उनकी जेबों में पैसे डालते हो। सतर्क रहिए ऐसी कंपनी से। जो व्यक्ति कंपनी खोल रहा है या जिसने कंपनी खोली हुई है, जो आपको यह बोलता है कि सर आपको ऊपर की आईडी प्लेस कर दूंगा, सतर्क हो जाइए कि गलत काम हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर आपको यह कहता है कि मैं आपको एमजी दूंगा, गलत काम में फंस चुके हो आप, जो आपको एमजी दे सकता है किसी और को एमजी दे सकता है, जो आपको ऊपर की आईडी दे सकता है वो आपके ऊपर किसी और को आईडी दे सकता है, और जो ये कहता है इतना बिजनेस लाओ, इतने बिजनेस में मैं इतना पैसा दूंगा, किसी और को भी दे सकता है, इसका मतलब वो सिर्फ पर्टिकुलर कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो रातों रात उसका बिजनेस बड़ा कर दें, रातों रात उसको लखपति करोड़पति बना दें। वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, वो एक आम इंसान के बारे में नहीं सोच रहा है, वो अपनी कंपनी को जैसे तैसे बड़ा करने के बारे में सोच रहा है। और मैंने तो साहब ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने लाखों रुपए की एमजी ली है भाई साहब,
उसके बाद बिजनेस नहीं हुआ, उसके बाद कंपनी को छोड़ दिया, उसके बाद कंपनी को धोखा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा है। हर कंपनी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। हर कंपनी के मालिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोग एमजी लेते हैं, एमजी लेते रहते हैं, उसके बाद फिर कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। एमजी लेने के बाद, लाखों रुपए लेने के बाद दोस्त लोगों से 10-10 हजार बीवी, 50-50 हजार बीवी मैच नहीं हुए। एमजी जोक है इस इंडस्ट्री का। यानी कि एक व्यक्ति विशेष को आप पैसा दे रहे हो, उसके नीचे जो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिनकी वजह से एक्चुअल में बिजनेस आ रहा है, उनको कोई चवन्नी देने के लिए तैयार नहीं है। ये दर्द है, और ये वही समझेगा जो इससे गुजर रहा है। जो मेहनती इंसान है, जो ईमानदार इंसान है, उनको मेरी बात समझ में आएंगी। जो बेईमान इंसान है, उनको समझ में आने वाली नहीं है। बेईमान इंसान तो क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे अभी इसके बाद। समझ जाना चोट कहां लगी है, दर्द किसको हो रहा है। हमारी कंपनी पूरी ईमानदारी के साथ चलेगी। एमजी का मतलब है ईमानदार और मेहनती लोगों को धोखा देना। एमजी और प्लेसिंग देने का मतलब है ईमानदार और मेहनती लोगों को अपनी कंपनी के धोखा देना। मैं सभी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हो गई यार, कहां इतना पैसा लेके जाओगे मेरे दोस्त। जो 20 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ एमजी में बांट रहे हो यार, वो 1 करोड़ रुपए बिजनेस प्लान में दे दो ना लोगों को। बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, मेरी कंपनी में अगर आप दिखा दें किसी को ऊपर की आईडी मिली है आज या इन फ्यूचर, मेरी कंपनी में आप दिखा दें कि मैं किसी को एमजी दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं, आपका जूता अजय शर्मा का सर सड़क पे खड़े होके मारना सर। डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को। बहुत हो गया, बहुत लोगों ने ईमानदारी की बात कर ली, ऐसे नहीं आया मैं इस इंडस्ट्री के अंदर। धीरे चलेंगे लेकिन ईमानदारी की जो बात है वो करके दिखाएंगे कि अरे इतनी इंटरनेशनल कंपनी है यार, ईमानदारी से गलत काम करके दिखाओ ना इंटरनेशनल कंपनी के अंदर। लोग कहते हो ये तो मजबूरी है हमारा। कैसे मजबूरी है। मेरा मानना यह है कि बेईमानी की शुरुआत लीडर से नहीं होती है, बेईमानी की शुरुआत कंपनी से होती है। कंपनी अगर ईमानदार है, लीडर की हिम्मत नहीं है, लीडर की औकात नहीं है कि वो कंपनी में गलत काम कर सके। आप ईमानदार हो सकते हैं, आपके पास चैलेंज आएंगे, आपका बिजनेस डाउन जाएगा, आपको जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, उस टाइम पे ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। और जब सब तरफ आपको दिखाई देता है यार ज्वाइनिंग नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, उस टाइम आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो ईमानदारी पर टिके रहो या फिर ईश्वर जो परीक्षा लेता है कोई बेईमान आदमी आपके पास भेजेगा, बेईमान लीडर आपके पास भेजेगा जो आपको गलत काम करने के लिए बोलेगा। और ज्यादातर लोग उस वक्त अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उस गलत आदमी का सहारा लेते हैं और अपनी ईमानदारी को छोड़ देते हैं, उससे समझौता करते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बेईमानी की शुरुआत कंपनी मैनेजमेंट से होती है, लीडर से नहीं होती है। बॉस इंटरनेशनल कंपनी में आप करके दिखाइए ना बेईमानी, एक मिनट में कितना भी बड़ा लीडर है आईडी टर्मिनेट होती है। यहां वो लीडर चला जाएगा, लाइफ बना देगा, दिक्कत हो जाएगी, परेशानी, अरे जाए तो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ईमानदारी पे टिके रहो, आपने जो वादे किए आप उन वादों पे टिके रहो, लोग आएंगे सर आपके साथ। तो कंपनी को ईमानदारी जो है दिखानी पड़ेगी, तब लीडर ईमानदार होगा। अगर कंपनी ईमानदार नहीं है तो लीडर कभी ईमानदार नहीं हो सकता। अगला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ईमानदारी से वो काम करेगा जो खुद ईमानदार होगा। जिसने अभी तक ईमानदारी से काम किया हो वही तो ईमानदारी से काम करेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो बेईमान है वो ईमानदार नहीं हो सकते हैं। उंगली मार की कहानी आप हमने सब सुनी है कि वो एक डाकू था, उसके बाद इतने बड़े संत बन गए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि पहले जो गलतियां करी, कई बार मजबूरी में भी गलतियां होती हैं, वो ईमानदार नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन उसके लिए अंदर आपके ईमानदारी होनी जरूरी है। ईमानदारी कब करोगे, जब आपके अंदर ईमानदारी होगी। जब आपके अंदर ही ईमानदारी नहीं है तो फिर आप ईमानदारी से काम नहीं कर सकते। हमने ईमानदार आदमियों को बेईमान भी होते हुए देखा और बेईमान आदमियों को ईमानदार होते हुए भी देखा है। और जिसको अपने ऊपर दम होगा सर, जो ईमानदारी से, जिसके अंदर ईमानदारी होगी, जिसको अपने ऊपर भरोसा होगा कि मैं दोबारा से टीम बिल्ड कर सकता हूं, वो काम कर सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर। कुछ लोग मेरे को फोन करके बोल रहे हैं सर बड़ा दुख हो रहा है, आपके कुछ पुराने साथी जो दिन रात हम आपके साथ देखते थे आज आपसे अलग हो गए हैं। ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, और मेरे साथ ही नहीं हुआ। जो साथी मेरे साथ अलग हुए हैं ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। मैं जिस कंपनी में मैंने काम किया पुराने साथी मेरे साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये मेरे साथ ही नहीं हुआ। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे साथ ही हो रहा है।
इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसने जब शुरुआत की थी, जो लोग उसके साथ एक बार जुड़ गए आज तक उसके साथ है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं बॉस। आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। कुछ लोग अपनी कमियों की वजह से दूर होंगे, कुछ लोग आपकी और हमारी कमियों की वजह से दूर होंगे। एक लीडर मुझे इस इंडस्ट्री का दिखा दीजिए जो ये प्राउडली कह सके कि मैं हूं सर वो लीडर, मैंने जिस आदमी का हाथ पकड़ा वो आदमी आज तक मुझे छोड़ के नहीं गया, उसने मेरे बारे में गलत नहीं बोला। एक लीडर मेरे सामने लाइए आप, पॉसिबल ही नहीं। आप हर किसी को खुश कर ही नहीं सकते सर। तो कुछ लोगों ने बोला सर कुछ साथी हैं आपके साथ अलग हो गए हैं, थोड़ा सा नाम मैं बता देता हूं। जैसे डॉक्टर कुमार गौरव झा मेरे परम मित्र परम दोस्त, जिनको मैं अपना छोटा भाई मानता था, लेकिन अभी जो मैंने बताया कि किसी का कंट्रोल हो गया दिमाग, और उनके साथ विपुल जिसको मैंने एक तरीके से अपना बहुत छोटा भाई माना और बहुत हेल्प की हर तरीके से, तो ये लोग अलग हो गए मेरे से। ये लोग मेरे से उससे पिछली कंपनी में भी थे और ये लोग अपनी नई कंपनी शुरुआत करने जा रहे हैं, नई कंपनी की शुरुआत कर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है। आज के दिन माँ सरस्वती इनके ऊपर कृपा करे, इनको बहुत ज्ञान दे, इनको सद्बुद्धि दे, ये भी उतनी मेहनत उतनी ईमानदारी से काम करें कि इनकी कंपनी भी बहुत बड़ी ग्रो हो। इनसे पहले भी कुछ लोग थे जिनके घर मैं जाता था, मैंने खाना खाया, वो मेरे घर में आते थे खाना खाए, बहुत अनबन हुई, कई लोगों ने मुझे गालियां तक बकी। यहां गाली गूंजती है साहब एक आदमी की, जो स्पीकर ऑन करवाया मैंने, एक लीडर का नाम नहीं लूंगा तो आप पहचान जाएंगे, वो बोलता है अजय शर्मा कुत्ता है कुत्ता, यहां गूंजती है वो, ये यहां गूंजती है वो, यहां लगती है वो आवाज, जबकि मैंने ऐसा कोई काम उस व्यक्ति के लिए नहीं किया, कुत्ता है अजय शर्मा साहब। क्या दगा कर दिया अजय शर्मा ने आपके साथ, बोलना नहीं आता था, बोलना अजय शर्मा ने सिखाया मेरे दोस्त आपको। और पता है मुझे दुख कहां पे होता है, पीठ पीछे कुत्ता है अपनी जूम मीटिंग में कहते हैं कि मैं जो सिखाऊं अपने गुरु से सिखाऊं जो बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल है, वहां पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अजय शर्मा का नाम लिया जा रहा है और पीठ पीछे कुत्ता बोला जा रहा है। मुझे शुभकामनाएं भेजी जा रही है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, कैसे भूल सकते हो आप यार, आपने मुझे कुत्ता बोला है, आपने मेरे बारे में गलत बातें बोली, आप मुझे गलत समझते हो, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन। या तो मैं कुत्ता हो सकता हूं, गलत आदमी हो सकता हूं, और गलत आदमी को कभी कोई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करता। इन सब बातों ने मुझे प्रेरित किया है कि यार अजय शर्मा तेरे को कुछ करके दिखाना है, ये सारे दाग जो लगे इनको धोना है एक एक करके, और समय पे मैं एक एक दाग को धोके दिखाऊंगा आपको। मैंने एक पोस्ट डाला था, अगर दूसरों की भलाई के लिए आपके ऊपर कोई दाग लगे ना, वो दाग अच्छे होते हैं, सहलो उन दागों, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रुपया नहीं खाया दोस्त आज तक किसी का, कोई आके खड़ा नहीं हो सकता मेरे चौखट के ऊपर, एक रुपया नहीं खाया। मैं तो वही इंसान हूं, मेरे किसी खास ने मेरी मदद की थी जो कि मैंने नहीं मांगी थी, अपने आप आके मदद की थी। बता देता हूं, मेरे ससुराल वालों ने मेरी मदद की थी किसी टाइम में, मदद नहीं बोलूंगा, मैंने मकान लिया था, उस मकान में उनकी कोई प्रॉपर्टी बिकी थी, उनकी कोई जमीन बिकी थी, तो उन्होंने बोला बिल्कुल बेटा मकान आपने लिया है तो इसमें कंस्ट्रक्शन में थोड़ा टाइल्स वाइल्स ये लकड़ी वकड़ी का काम हम करा देते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं अपने ससुराल वालों की। और एक टाइम जब मैं बिल्कुल ऐसा हताश हो गया, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के मूड में था कि यार मैं, मेरे पास कुछ कर्जा हो गया, मैं उस कर्जे को यार इस प्रॉपर्टी को बेच के उतार देता हूं, मेरा टेंशन फ्री हो जाएगा, उसके बाद मैं फोकस होकर काम करूंगा। तो जब मेरे ससुराल वालों को पता लगा कि अजय शर्मा अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो फ्लैट बेच रहा है, मेरी मदर को पता लगा, मेरी वाइफ को पता लगा, तो उन्होंने मुझे ये सोच के कि ये प्रॉपर्टी ना बेचे, मेरे मन में क्या चल रहा था उनको नहीं मालूम। मैं ये चाहता था कि मैंने जिसकी देनदारी करनी है यार वो प्रॉपर्टी बेच के मैं दे दूं, हाथ जोड़ लूं कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरी मदद की, कुछ कर्जा मेरे ऊपर हो गया था, आपके ऊपर भी हो सकता है। लेकिन वो ये कि नहीं प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, बनेगी नहीं दोबारा। दोस्तों उन्होंने एक बात बोली थी, पहले हमारे पैसे दो उसके बाद फिर प्रॉपर्टी बेचना। ये अजय शर्मा है, आज तक मेरे ससुर बोलते हैं इस बात को, मानते हैं इस बात को, मेरी वाइफ प्राउड फील करती है मेरे ऊपर। एक एक रुपया दोस्त, एक एक सिंगल रुपया जो अजय शर्मा ने मांगा नहीं था, गिफ्टेड था, अजय शर्मा ने दिया है दोस्त अपनी प्रॉपर्टी बेच के। आप कुत्ता बोल रहे हो यार हमें, आप गलत बोल रहे हो यार हमें, वक्त बताएगा, वक्त बताएगा अजय शर्मा क्या है, चिंता नहीं करो आप। तो लोग कह रहे हैं कुछ लोग आपके साथ अलग हो गए, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, दोस्त मेरे साथ अलग नहीं हुए, उनके साथ, जो मेरे से अलग हुए उनके साथ भी बहुत सारे लोग अलग हो गए।
इसमें एक सबसे बड़ी बात बोलना चाहता हूं, उन दोस्तों ने उन भाइयों ने मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया था कि पूरी जिंदगी हम आपके साथ काम करेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिगड़ गई, अधिकार है उनका, अधिकार है मेरा, मैं अलग कर सकता हूं। कंपनी से आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हम बहुत मेहनत कर रहे थे, उस कंपनी की तारीफ कर रहे थे, उस कंपनी के लिए वीडियो बना रहे थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं रही, आइडियोलॉजी से कंपनी भटक गई, मेरे पास अधिकार है, मैं अलग हो जाऊं। मेहनत का पैसा दोस्त कंपनी आपको देती है, जो कंपनी ये कहती है ना इतना पैसा कमाया जिस थाली में, कोई थाली में नहीं खाया दोस्त, आपकी मेहनत से एक रुपया फालतू कंपनी आपके अकाउंट में नहीं डालती है। हाँ, उनको बोलो जिनको आपने एमजी दी है, उनको बोलो जिनको आपने सेवा दी है अपनी स्पेशल, जिनका आपने एंटरटेनमेंट किया है, उनको बोलो जिस थाली में खाया उस थाली में छेक किया है, हमने नहीं खाया किसी की थाली में जो छेक किया हो। तो जितने भी साथी मेरे साथ मुझे छोड़ के गए या पहले किसी को छोड़ के गए या आप मेरे साथ आएंगे, तो दोस्त कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं है कि आप पूरी जिंदगी मेरे साथ अजय शर्मा के गुलाम हो गए, आप पूरी जिंदगी अजय शर्मा के साथ काम करेंगे। लोग तो पैसा कमाने के लिए अपना घर बार छोड़ते हैं दोस्त। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका परिवार गांव में रहता होगा, आप दिल्ली जैसे शहर के अंदर आके दोस्त काम कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ा है आपने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं दोस्त पैसा कमाने के लिए, पैसा नहीं कहीं तो अपने माँ बाप को ही छोड़ देते हैं। माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, अपना खून पसीना सब कुछ दिया, इनकम दी, अपने सपने मार दिए अपने बच्चे को कामयाब करने के लिए, वो नालायक बेटा अपने माँ बाप को छोड़ देता है दोस्त इस समाज के अंदर। और कई लोग छोड़ना नहीं चाहते अपने माँ बाप को, लेकिन जॉब इतनी दूर लग गई, पैसा कमाने के लिए इतना दूर जाना पड़ा कि अपने माँ बाप से अलग होना पड़ा दोस्त। बहुत सारे लोग होंगे आपके, आप में से जो माँ बाप गांव में रहते होंगे दोस्त, आपको मजबूरी में शहर में आके काम करना पड़ रहा है, आप नहीं रहना चाहते अपने माँ बाप के बगैर। तो लोग पैसा कमाने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ देते हैं, लोग पैसा कमाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। अभी एक दोस्त का मेरे पास फोन आया, सर पुराने साथियों ने आपके साथ छोड़ा, सर मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। मैंने कहा कोई दुख वाली बात नहीं है, मैंने कहा दोस्त आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? उसने कहा सर मैं गुरुकुल के अंदर पढ़ा हूं। मैंने कहा 12 साल जिस टीचर ने आपको पढ़ाया, क्या वो टीचर आज कदम कदम पे आपके साथ चलता है? कहता नहीं सर, उनकी शिक्षा चलती है। तो मैंने कहा यार जो लोग मुझे छोड़ के गए, जो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे स्टूडेंट थे, मैं उनका टीचर था, उन्होंने एजुकेशन ले ली, वो लायक हो गए हैं। अब वो सारी जिंदगी थोड़ी मेरे साथ एजुकेशन लेते रहेंगे, उनके सपने हैं, उनके ड्रीम हैं, उनको भी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं उनका गुरु था, वो मेरे शिष्य थे, उन्होंने मुझसे एजुकेशन ले ली, उस एजुकेशन के दम पे वो अपना नया करियर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, करना चाहिए, सबके पास अधिकार है, सबका अधिकार है, सब इस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए आए हैं, सब पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो हमारी शुभकामनाएं उन सभी साथियों के साथ है जो अपना कुछ शुरू करने जा रहे हैं। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनको बोलूं भाई मेरे को क्यों छोड़ के चले गए। वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, वक्त ये काम कराती है। मैं नहीं मानता हूं कि वो इंसान जो मेरे साथ सुबह से लेकर शाम तक बैठता था अचानक ये डिसीजन ले लिया, कोई तो ऐसी बात हुई होगी, वक्त नहीं कराया ना, दो दो तीन तीन बजे तक हम बैठे रहते थे। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सभी लोग ग्रो करें, ये इंडस्ट्री सभी के लिए है। वो मेरे शिष्य थे, आपके भी शिष्य छोड़ के जाएंगे, बहुत सारे लोगों के शिष्य छोड़ के चले गए। जैसे मैंने बोला माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, घर परिवार लोग छोड़ देते हैं पैसा कमाने के लिए। तो मेरा तो किसी से खून का रिश्ता भी नहीं था दोस्त, मेरा किसी से खून का रिश्ता भी नहीं था। क्यों लोग मेरे साथ रहेंगे, क्यों हमेशा लोग मेरे साथ रहेंगे? एक दिन तो आप भी दुनिया में अपने परिवार को छोड़ के चले जाओगे। बहुत सारे लोगों के माता पिता उनको छोड़ के इस दुनिया से चले गए, जाना तो सबको है। तो ये बेकार की बातें हमें नहीं करनी है कि वो आपके साथ नहीं आया, वो आपके साथ नहीं आया, जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं होगा। हर आदमी के अपने सपने हैं, हर आदमी के अपने ड्रीम है, वो भी अपने सपने लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छी इनकम आए, उनका मान सम्मान उनका नाम हो। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, हमें केवल अच्छे और ईमानदार लोगों की जरूरत है, उसके अलावा हमें बेईमान लोगों की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, अगर आप सोच रहे ऐसे ही बोल रहे हो, आप मेरे फेसबुक पोस्ट पे जाके देखिए, आप मेरे मैसेंजर पे जाके देखिए, आप मेरे व्हाट्सएप पे, मैं लोगों को फोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। आज एक बात का दुख है कि मेरे साथ जो पुराने साथी होते थे पिछली कंपनी के अंदर, मेरा फोन होता था, उनकी डायरी पेन होती थी और मैं कहता था डाल लो लेफ्ट में, डाल लो राइट में, डाल लो लेफ्ट में, डाल लो राइट में, डाल लो लेफ्ट में, डाल लो राइट में। आज वो साथी नहीं है, आज उनके नीचे के साथी, उनमें से कुछ लोगों को अलग कर दिया गया किसी एक इंसान के द्वारा, जालसाजी करके दिमाग खराब करके अलग कर दिया गया, उसको नेगेटिव बना दिया गया। आज वो सबसे ऊपर आईडी पे आ गया मेरे साथ, उसको मौका मिल रहा है। वो इंसान जो नीचे से 50,000 रुपए की मैचिंग, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करता था, ऊपर लोगों को 1,00,000 का बिजनेस मिलता था, तब लोग साइड मेंटेन करके अपने चेक बनाते थे, उस इंसान को हमसे अलग कर दिया था सर, मतलब अपने आप से अलग कर दिया था लोगों ने।
आज उस इंसान की आईडी मेरी कंपनी में सबसे ऊपर लग रही है दोस्त, क्योंकि वो मेरे साथ आके खड़ा हो गया कि सर मुझे आपके साथ काम करना है। और उस इंसान को जिसको नालायक बोला गया, हम देखेंगे दिखाएंगे कि वो इंसान जो नालायक जिसको दुनिया ने बोला वो इंसान कहाँ जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं दिखाऊंगा कि ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं तो होगा। तो अब मैं 5 मिनट आपसे कंपनी के लोगों के बारे में बात करूंगा और फिर लास्ट में मैं आपसे अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान शेयर करूंगा, क्योंकि पीडीएफ भेजने से उसकी पावर को आप नहीं समझ पाएंगे। कंपनी का लोगो है सर वीकेंड, वीकेंड का मतलब हम कर सकते हैं। हर बड़ी कंपनी के लोगों में जो कंपनी का जो नाम होता है, लोगों में कंपनी का नाम क्या रखा गया है वो झलकता है, और साथ में कंपनी का विजन क्या है वो झलकता है। किसी भी बड़ी कंपनी का आप लोगो देखोगे तो उसके अंदर कंपनी क्या कर रही है, जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन का देखोगे ए से लेके जेड नीचे एरो है, यानी कि ए से लेके जेड कुछ भी अमेजॉन पे जाके आप ले सकते हो। इस तरीके से जितनी बड़ी बड़ी कंपनी लेंगे उनका लोगो के पीछे एक मकसद होता है। तो हमारे लोगों में जो मकसद है अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो उसके अंदर स्ट्रेंथ है, सॉलिड है, मतलब उसके अंदर हाई एम है, विंग्स देखेंगे आप पंख, यानी कि ऊंचाइयों पे ले जाने वाली जो ताकत है उसके अंदर है। उसके अंदर स्टेबिलिटी है, ठहराव है, मतलब विचलित नहीं होना, जब विपरीत परिस्थितियां हैं तो आपको विचलित नहीं होना है। उसके अंदर विजडम आपको दिखाई देगा, जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि विजडम है, जो उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन दिया वो विजडम का है। गुड हेल्थ, गुड हेल्थ को हमारा लोगो जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है वो दिखाता है। गुड लक को हमारा जो कलर है और जो लोगो है वो दिखाता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी वो दिखाता है, क्योंकि पार्टनरशिप जब हाथ जो मिले हुए देख रहे हैं आप, वी यानी हम, वो ऑनेस्टी ईमानदारी को दिखाता है। ग्रोथ दिखा रहा है, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो ग्रोथ, ग्रीन कलर का मतलब होता है ग्रोथ, ब्लू कलर का मतलब होता है ताकत, ब्लैक कलर का मतलब होता है ताकत, यानी कि आप कॉन्फिडेंट हैं अपने बिजनेस को लेके, और ग्रीन का मतलब होता है ग्रोथ, किसी धर्म से मत जोड़ लेना, ग्रीन का मतलब होता है ग्रोथ, फसल जो है, पेड़ जो है वो ग्रोथ होता है, ऊपर बढ़ता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो बात करूंगा यूनिटी, टीम वर्क, ये हमारे लोगों को दर्शाता है। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे, ऐसी जल्दबाजी में सारी चीजें स्टार्ट नहीं कर दी, बहुत सोच समझ के मैं स्टार्ट कर रहे हैं। अब दोस्त आता हूं मैं मार्केटिंग प्लान के ऊपर आपके बीच में बहुत जल्दी जल्दी, और मैं बहुत प्राउडली इस बात को बोलना चाहूंगा कि मैं जिस प्लान को लेकर आ रहा हूं वो 80% प्लान जो है वो ओके लाइफ केयर का है। प्राउड है मुझे इस बात पे। अब जो पार्ट मैं बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। 80% मार्केटिंग प्लान जो है वो ओके लाइफ केयर का है, क्योंकि उस जैसा मार्केटिंग प्लान मैंने अभी तक नहीं देखा। इसमें कोई दो राय नहीं है, जितने भी ओके लाइफ केयर के अचीवर हैं उन्होंने अपने जीवन का हाईएस्ट पे आउट जो है वो ओके लाइफ केयर के मार्केटिंग प्लान से लिया है। उस समय पे भी लिया है जब कंपनी प्रोडक्ट नहीं भेज रही थी पूरे पूरे महीने, तब भी हमारे पे आउट ग्रो किए हैं बॉस। सिंगल प्रोडक्ट पे, दो दो प्रोडक्ट पे, तीन तीन प्रोडक्ट पे हमने काम किया है लॉकडाउन के अंदर, और बिजनेस बड़े हैं लोगों के, चेक बड़े हैं लोगों के। तो इसका मैं बिल्कुल प्राउड हूं कि ओके लाइफ केयर का मार्केटिंग प्लान अभी तक का बेस्ट मार्केटिंग प्लान है। 2 लाख जनरेशन प्लान हम लोग लेके आ रहे हैं। 2 साल मैंने उस कंपनी के अंदर काम किया और 80 लाख रुपए के आसपास मैंने कमाया दोस्त। 2 साल के अंदर 80 लाख रुपए उस प्लान से मैंने कमाया। ये 2 लाख जनरेशन प्लान की, ओके लाइफ केयर के प्लान की ताकत थी, जो अब उन्होंने चेंज कर दिया है, जिसको जानबूझ के एक विलेन प्लान बना दिया गया, जो बोला जाता था ना कि फादर ऑफ 2 लाख जनरेशन प्लान, यानी मेरा बच्चा है उसका गला घोट दिया गया जानबूझ के। उसको मैं साबित करके दिखाऊंगा इस प्लान में कितनी जान है और कितना बड़ा पे आउट और बन सकता था जो शायद नहीं दिया गया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरा जो प्लान रहेगा 2 लाख जनरेशन प्लान रहेगा, हाइब्रिड प्लान रहेगा, और प्रोडक्ट बेस्ड रहेगा, गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन को फोकस करते हुए रहेगा, और गाइडलाइंस और अगर प्रॉपर आती हैं तो मुझे चेंज नहीं करना, सबको ही चेंज करना, ध्यान रखें आप, ठीक है। तो प्लान में दम है, और सबसे बड़ी बात है प्लान प्रूवन है। उस प्लान पे 42 लाख तक लोगों ने कमाया, जिस व्यक्ति ने 42 लाख किसी कंपनी से नहीं कमाया, एक महीने का 42 लाख वहां पे एक व्यक्ति ने कमाया, तो प्रूवन है। मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो प्लान जो डाउन हुआ, पे आउट डाउन हुए, जो छोड़ चुके हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, और जो कर रहे हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। उसमें सबसे बड़ा रोल मैनेजमेंट का है, आपका और हमारा नहीं है। चेक हमारे जो डाउन हुए हमारी और आपकी गलती की वजह से नहीं, मैनेजमेंट की गलती की वजह से हुआ, उसमें बहुत बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। तो प्लान में दम है, प्लान प्रूवन है बॉस, उस प्लान को हम लोग लेके आ रहे हैं। 80% प्लान सेम है जो कि लाइफ केयर का था, 20% मैंने अपडेट किया है, जो हम चिल्ला चिल्ला के उनको बोलते थे कि सर ये कर दो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो 2 लाख जनरेशन प्लान रजिस्ट्रेशन फ्री है बिल्कुल, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं।
आईडी एक्टिवेशन मैं 15 तारीख से करूंगा, 15 फरवरी से, उससे पहले कोई मुझे पैसे ना दे। 3-4 लोगों का मेरे पास फोन आया कि सर अकाउंट नंबर भेज दीजिए, पैसा दे देंगे। नहीं, हमें आपसे कोई पैसा नहीं लिए, जिस दिन हम आईडी एक्टिवेशन करेंगे उस दिन हम आपसे पैसा लेंगे। तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, आज से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, काम करना हो तो ही एंट्री लगाइएगा, ऐसे मत लगाइएगा कि एंट्री लगा दी है छोड़ देता हूं, इन फ्यूचर बड़ा होगा तो काम करूंगा। क्योंकि मैंने अपनी कंपनी में सॉफ्टवेयर में एक चीज डलवा दी है, जिस व्यक्ति की भी आईडी लगेगी रजिस्ट्रेशन फ्री है। अगर एक महीने में उस व्यक्ति ने अपनी आईडी एक्टिव नहीं कराई तो उसकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी, किसी भी सूरत में उसकी आईडी नहीं खुलेगी, ये ध्यान रखना। तो ऐसे लोग जो विजन जिनका बड़ा होता है कि आज आईडी लगा देता हूं छोड़ देता हूं फिर करूंगा, मत लगाना भाई, एक महीने बाद बंद हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, भीड़ इकट्ठी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ईमानदारी से मेहनत से काम करना है तो आईडी लगाना, वरना आईडी मत लगाना। तो रजिस्ट्रेशन फ्री है, आज से स्टार्ट हो जाएगा आईडी एक्टिवेशन, 15 तारीख से हम लोग करेंगे। सिंगल प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, हेल्थ सप्लीमेंट लेके आ रहा हूं, क्योंकि रेंटस नोवा जैसी कंपनी ने साबित कर दिया एक सिंगल प्रोडक्ट पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हमें अभी एक सिंगल प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा लोगों को पसंद आएगा, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, लोग अपने आप को फिट महसूस करेंगे उसको खाने के बाद, जब मार्केट से शाबाशी आनी शुरू होगी, मार्केट से ये कहना शुरू होगा कि वाकई आपके प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी में दम है, उसके बाद आगे देखेंगे कि आगे क्या जाना। अभी सिंगल प्रोडक्ट पे ही हम लोग काम करेंगे। तो जो लोग सिंगल प्रोडक्ट पे काम, वो बहुत बड़ा काम हो सकता है, जब मैं अभी अपने जूम सेशन स्टार्ट करूंगा, दोबारा से मैं लाइव आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कितना बड़ा काम सिंगल प्रोडक्ट पे हो सकता है। तो ये बुलाके से बाहर निकलोगे, जिसके ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उसी में कामयाब हो सकते हैं। फिर तो बहुत सारी कंपनी, जाओ कामयाब हो जाओ, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। कल तो एक कंपनी ने 40 प्रोडक्ट फिर लॉन्च कर दिए, सोन पापड़ी भी आ रही है, 12 तरीके की नमकीन भी आ रही है, सब आ रहा है, जाओ कर लो, नहीं होगा। तो आईडी एक्टिवेशन 15 से शुरू करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट लेके आ रहे हैं, बहुत शानदार लेके आ रहे हैं। एमआरपी आज तक किसी मार्केट ने इतना खुल के, मालिक ने इतना खुल के आपको नहीं बोला होगा बॉस प्लान के बारे में, मैं बोल रहा हूं, मुझे डर नहीं है, मैं मुझे मालूम है जेन्युइन काम कर रहे हैं, चला के दिखाएंगे। लोग तो छुपा रहे हैं अपने प्लान को, छुपाते हैं, अरे अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में बताएंगे, ये नहीं एकदम बता देंगे तो लोग, सर बिल्कुल खुल के बता रहा हूं, एमआरपी हमारे प्रोडक्ट का होगा 1999 एमआरपी होगा। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो होगा वो 1600 रुपए होगा हमारे प्रोडक्ट का। बिजनेस वॉल्यूम 50% होगा 800। नंबर वन एमआरपी 1999 यानी 2000, डीपी 1600 और बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 800 होगा। 50% बिजनेस वॉल्यूम हम लोग उस प्रोडक्ट पे आपको दे रहे हैं। बिजनेस वॉल्यूम का 80% मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं प्लान के अंदर, बिजनेस वॉल्यूम का 80% जो है मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं। कैसे, मैं भी आपको समझाऊंगा, जिन्होंने ओके लाइफ केयर किया है बहुत आसानी से इस प्लान को समझ जाएंगे, क्योंकि सबसे सिंपल प्लान, सबसे पावरफुल प्लान और डुप्लीकेबल होने वाला प्लान है। उसमें जो कमियां थी वो मैंने दूर की, अभी मैं शेयर करूंगा। मंथली क्लोजिंग होगी, एवरी मंथ क्लोजिंग होगी, 1 से 30-31 तारीख का बिजनेस होगा और वो क्लोज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ आपको विद इन ए वीक आपको चेक मिल जाएगा, जो भी डेट हम डिसाइड करेंगे। प्रोडक्ट डिलीवरी बाई कुरियर होगी, अभी मैं सेंटर देने के मूड में नहीं हूं, जबकि 3 लोगों के फोन ऑलरेडी आ चुके हैं कि सर पहला सेंटर हमें देना हमारी जगह पे, लेकिन अभी मैं सेंटर देने के विचार में नहीं हूं, अभी देखेंगे आगे क्या होता है। हमारा जो भी प्रोडक्ट जाएगा वो बाई कुरियर आपके घर पे पहुंचेगा, आप कहीं भी रहते हो। अब मैं प्लान पे आता हूं, आपने आईडी रजिस्ट्रेशन फ्री में कराया, 1600 रुपए देके आपने अपना हेल्थ केयर का प्रोडक्ट अपने घर मंगा लिया। मेरा मानना है पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, यूज कीजिए, अच्छा लगे उसके बाद आप शुरू करें, और अगर विश्वास है तो आप लेने के बाद भी शुरू कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 7 लेवल रखे हैं। पहला लेवल जो है हमारा स्टार वन, जिसको हमने नाम दिया स्टार वन, जैसे सिल्वर नाम देते हैं, गोल्ड नाम देते हैं, तो मैंने नाम रखा है स्टार वन। जो भी व्यक्ति अपनी आईडी एक्टिवेट करा लेगा वो स्टार वन के लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसे आपने 1600 रुपए का हमारा प्रोडक्ट लिया, आप स्टार वन पे पहुंच गए, आपको सबसे पहला बेनिफिट हमारी कंपनी में होगा वो है रिटेल प्रॉफिट। हमारा जो प्रोडक्ट है वो इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है, हर व्यक्ति की जरूरत है। सफल जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी खाना है, जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसको भी खाना है। अस्वस्थ व्यक्ति को इसलिए खाना है कि जिस चीज की कमी है उसको खाने के बाद वो पूर्ति हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए, और स्वस्थ व्यक्ति को इसलिए खाना है कि कल को वो अस्वस्थ ना रहे। क्योंकि मैंने बोला था पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, लेकिन लोग अपनी काया की तरफ तो देख ही नहीं रहे हैं। लोग उलझ गए, साबुन तेल शैम्पू बस ये होना चाहिए, और लोगों ने यही बोल दिया साबुन तेल शैम्पू बेचने का काम करता है, तो कोई रेपुटेड काम तो करता नहीं। आज 1 करोड़ कमाने के बाद भी लोग साबुन तेल शैम्पू वाले बेचने वाला बोलते हैं। तो पहला स्टार वन लेवल होगा, आईडी एक्टिवेशन कराते ही आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। 2000 का प्रोडक्ट है दोस्त, आपको 1600 का मिल रहा है, 400 रुपए सीधा 40% आपका जो 400 रुपए जो है वो आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया।
इन केस अगर आप किसी को नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन में यह आ गया कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो दो चीजें होंगी, आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ रहे हैं या एज ए कस्टमर जुड़ रहे हैं। तो आप अपने कस्टमर बना सकते हैं, आपके पड़ोस में अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू है आप उसको वो शेयर कर सकते हैं, आपने 10 लोगों को भी शेयर कर दिया, वो आपसे रेगुलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर हमारे प्रोडक्ट में दम होगा उनकी शरीर जो है वो स्वस्थ होगा, वो रिपीट ऑर्डर आपके पास आएगा। तो अगर 10 लोगों को भी आपने प्रोडक्ट दे दिया, 2-4 हजार रुपए घर में बैठे बैठे आपने कमा लिया, अभी तक आपने किसी को भी ज्वाइन नहीं कराया। तो पहला *1 आईडी एक्टिवेशन कराते ही आपको वो लेवल मिल जाएगा, आपको सम्मान मिलेगा स्टेज के ऊपर, और आपको 400 रुपए का रिटेल प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को वो प्रोडक्ट अपनी आईडी से देते हैं। तो दूसरा लेवल है हमारा *2, इसको बहुत ध्यान से समझना। ओके लाइफ केयर में सबसे बड़ी कमी थी, 2500 से नीचे कोई लेवल नहीं था, हम लोग 2500 से नीचे एक लेवल लेके आए हैं जो है 800 बिजनेस वॉल्यूम। नीरज पांडे जी पूछ रहे हैं आईडी एक्टिव के लिए कितना बीवी, आईडी एक्टिवेशन के लिए सर 1600 रुपए का प्रोडक्ट, 800 रुपए आईडी एक्टिवेशन हो गया, एक ही प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट है अपना। और सबसे मजेदार वाली बात यह है, एक व्यक्ति लेफ्ट में आपने बिजनेस करने के लिए ज्वाइन कराया, पार्टनर बनाया, दूसरा व्यक्ति राइट में आपने पार्टनर बनाया, 800 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट से आया, 800 बिजनेस वॉल्यूम राइट से आया, सेकंड लेवल पे आप तुरंत पहुंच गए। ऐसा नहीं है कि 2500 के लिए बेचारा संघर्ष कर रहा है, 3-4 महीने 2500 ही नहीं हो पाए, बेचारे के घर में कोई चवन्नी नहीं गई, कितने लोग छोड़ के चले गए, और कितना बार बार बोला गया ये कल लाएंगे, रिपर्चेज ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, कभी नहीं लेके आए। तो 800 बिजनेस वॉल्यूम है सर स्टार सेकंड लेवल जो हमारा, एक व्यक्ति लेफ्ट एक व्यक्ति राइट आपने जुड़ाया, 800 हमने 800 का लेवल रखा है। कंपनी अपने टर्नओवर का बिजनेस वॉल्यूम का 20% इस पूल के अंदर डालेगी, जो 800-800 की मैचिंग करेंगे, एक लेफ्ट एक राइट होते ही आपकी 800 की मैचिंग हो जाएगी, टर्नओवर हो जाएगा, और 20% अपनी कंपनी टर्नओवर का हम डाल रहे हैं। और जितने भी जब मंथ में क्लोजिंग होगी 20% कंपनी का निकल गया इस पूल के लिए, जितने भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 800 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग की है या टर्नओवर किया है, उनमें इक्वली वो पैसा डिवाइड कर दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ, या उससे नेक्स्ट मंथ से एक्चुअल पॉइंट वैल्यू जो है वो आपके सामने आ जाएगी। हम फर्जी बात नहीं करेंगे, इतना आएगा, हम बिल्कुल जो जेन्युइन आएगा वही आपको बताएंगे, आइडिया नहीं देंगे कि इतना आएगा और बाद में इतना आएगा, वो वाला काम हमें नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस डलेगा तभी उसकी कैलकुलेशन आपको पता लगेगी। पहले सेकेंड लेवल पे हमने 50 पॉइंट की कैपिंग लगाई है जिससे आने वाले वक्त में उसकी पॉइंट वैल्यू ना गिरे। थर्ड लेवल जो होगा दोस्त वो हमारा *3 होगा, *3 जो हम दे रहे हैं 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट 2500 बिजनेस वॉल्यूम राइट, यानी 800 बिजनेस वॉल्यूम से आपने काम को स्टार्ट किया, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आपका 2500 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट 2500 बिजनेस वॉल्यूम राइट होगा, 20% अगेन अपने बिजनेस वॉल्यूम के टर्नओवर का, ग्लोबल टर्नओवर का हम उसमें डालेंगे, और जितने भी 2500 मैचिंग करने वाले लोग होंगे, टर्नओवर करने वाले लोग होंगे, पॉइंट बनाने वाले होंगे, उनमें इक्वली वो डिवाइड हो जाएगा, 20% हम यहां डाल रहे हैं। यहां भी 60 पॉइंट की कैपिंग होगी, सॉरी 50 पॉइंट की कैपिंग होगी यहां भी, कि कल को इसकी भी पॉइंट वैल्यू बहुत ज्यादा ना गिरे, क्योंकि ऊपर वाले तो अनलिमिटेड है तो उनको ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, तो नीचे वालों को वो चीज मिलती रहे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि नीचे अगर खुराक मिलेगी, नीचे अगर लोग तेजी से जुड़ेंगे तो आपका पे आउट जो है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि अपने को बहुत ज्यादा पैसा अपने घर पे लेके नहीं जाना, अपने को बहुत बड़े बड़े ऑफिस नहीं बनाने हैं, अपने को बहुत बड़े बड़े बंगले नहीं बनाने हैं, अपने को बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी चीजें नहीं खरीदनी है, तो भैया जो पैसा है मैक्सिमम बांटेंगे, अपना तो घर भाई साहब 5000 में भी चल गया, 50000 में भी चल गया, और 7 लाख में भी चल गया, ठीक है, 7 लाख के बाद पैसा आना बंद हुआ तब भी चल रहा है। तो 2500 का हमारा थर्ड लेवल रहेगा, *3 के नाम से हम इसको जानेंगे, 20% कंपनी टर्नओवर का डाल रहे हैं, 50 पॉइंट की कैपिंग होगी। *4 पे जब आप आएंगे फिर हमने यहाँ पे एक डाला जो लाइफ केयर में नहीं था, 20,000 की मैचिंग हमने यहाँ डाल दी है, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट 20,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट, जैसे ही आप करेंगे आप हमारे *4 बन जाएंगे, और यहां पे कंपनी अपने टर्नओवर का 10% डाल रही है, और यहां पे जो भी 10% डलेगा, जितने लोग भी 20,000 की मैचिंग कर रहे होंगे उनको 800 की मैचिंग भी मिलेगी, उनको 2500 के जितने पॉइंट बनेंगे वो भी मिलेंगे, और साथ में उनको 20,000 का जो पॉइंट बनेगा वो भी मिलेगा, कंपनी अपने टर्नओवर का 10% डाल रही है। और यहां पे हमने 100 पॉइंट की कैपिंग रखी है जिससे ये भी डाउन ना हो, 100 पॉइंट की अभी कैपिंग हमने यहां पे रखी है। इन फ्यूचर जो मुझे लग रहा है ये 20,000 वाले पे कैपिंग हम हटा देंगे जब हमें एक्चुअल पिक्चर सामने आ जाएगी, क्योंकि यहां पे मुझे कैपिंग लगाने की कोई चीज दिखती नहीं है, लेकिन 2-3 महीने में जब पता लगेगा तो यहां की कैपिंग हम हटा देंगे। *5 का लेवल जो आएगा नेक्स्ट, 20,000 से जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट, जब आपका बिजनेस हो जाएगा, सिंगल प्रोडक्ट से ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहां पे कंपनी टर्नओवर का 15% हम लोग डाल रहे हैं। *5 पे कंपनी टर्नओवर का हम 15% डाल रहे हैं, 15% डलेगा,
जितने भी पॉइंट बनेंगे, जिन्होंने भी 50,000 रुपये की मैचिंग की है उन सबको मिल जाएगा। 50,000 रुपये की मैचिंग पे आपको 800 वाला पॉइंट भी मिलेगा, 2500 वाले जितने पॉइंट बनेंगे वो भी मिलेगा, 20,000 पॉइंट भी मिलेगा और 50,000 का भी पॉइंट आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक हमने ट्विस्ट और डाला, एक अच्छी चीज़ डाली है, यहाँ पे कंपनी अपने टर्नओवर का 3% एक्स्ट्रा डाल रही है आप सब लोगों के लिए ट्रैवल फंड के लिए, जो वहां नहीं था। यानी कि 15% तो डाला 50,000 रुपये का, जो आपका पॉइंट निकल के आएगा उसका स्टार 5 लेवल जो आपको कहलाएंगे, स्टार 5 जो हमारे होंगे उनके लिए, प्लस 3% यानी कि 18% टोटल लग रहा है। जब जब आपकी 50,000 की मैचिंग, और पहले महीने से मिलेगा, इस महीने 50,000 किया, जो भी ट्रैवल फंड की पॉइंट वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगी। जब जब 50,000 की मैचिंग करोगे आपको ट्रैवल फंड भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस पे कोई कैपिंग नहीं है, अनलिमिटेड डेप्थ तक आप पैसा ले सकते हैं। उस कंपनी में हमने लिया है, 40 लाख तक लोगों ने कमाया है, 40 लाख तक तो मुझे भी दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल आएगा आपका स्टार 6। 50,000 की मैचिंग को जो व्यक्ति 3 महीने तक मेंटेन करेगा उसको हम लोग देंगे कार फंड। और यहां पे हम अपनी कंपनी के टर्नओवर का डाल रहे हैं 5% डाल रहे हैं। इस पर कोई कैपिंग नहीं है, जितने पॉइंट आपके बनेंगे, जो पॉइंट वैल्यू आएगी उतने पॉइंट आपके अकाउंट में कार फंड के रूप में आ जाएंगे। आप कार लीजिए, आप बच्चों की एजुकेशन लीजिए, आप घर बनाइए, कुछ भी कीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे आएंगे वो आएंगे सर स्टार 7, जिनको हम बोलेंगे 7 स्टार। 7 स्टार के बारे में आप जानते हैं, बहुत सोच समझ के नाम रैंक हमने नाम रखे हैं। 7 स्टार लेवल आ जाएगा। 50,000 को नेक्स्ट 3 मंथ तक, 3 मंथ जब आप मैचिंग करेंगे तो आपको कंपनी अपने टर्नओवर का 7% बांट रही है और जितनी भी पॉइंट वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। और यहां पे भी कोई भी किसी भी तरीके की हमने कैपिंग नहीं डाली है। लास्ट वाले में एक ट्विस्ट और है कि 3 महीने आपने कार फंड किया, 4th महीने किया, 5वें महीने किया, 6ठे महीने किसी कारण से रह गया तो अगेन पुरानी कंपनी में आपको 6 महीने करना पड़ता था। लेकिन यहां पे हमने डाला 3 महीने अगर आपने इस काम को किया है, 3 महीने अगर आपने कार फंड कर लिया है तो आप उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट 3 मंथ करना, यानी 4th और 5वें महीने में अगर आपने किया, 6ठे महीने में आपने नहीं किया, तो केवल 3 महीने करते ही आपको हाउस फंड भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस टोटल ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, पहले लेवल पे हमने डाल दिया 20% अपना बिजनेस वॉल्यूम का, दूसरे लेवल पे 20%, तीसरे लेवल पे 10%, चौथे लेवल पे 3%, पांचवें लेवल पे 18%, सॉरी चौथे पे, पांचवें पे 18%, फिर 6ठे पे 5% और 7वें पे 7%। तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 80% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहां पे सबसे मजेदार वाली बात बताऊं आपको, पॉइंट वैल्यू से 0.111% भी मैनुपुलेशन नहीं होगी। जो हमने सुना है बहुत सारी कंपनी पॉइंट वैल्यू पे मैनुपुलेशन करती हैं कि 3800 का पॉइंट वैल्यू आया 3200 का दे दो, किसी को पता नहीं लगेगा। यहां ऐसा नहीं होगा, यहां मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इस प्लान में दम था, इस प्लान में दम है, इस प्लान में दम रहेगा और इस प्लान से जितना पैसा हमने कमाया उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता था। ये मैं साबित करके इस प्लान पे दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे इस प्लान पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने इस प्लान से बहुत पैसा कमाया। और मैंने नहीं, मेरी बहुत सारी टीम में जो लोग थे उन्होंने पैसा कमाया है, बहुत सारे क्रॉस ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने पैसा कमाया। इस प्लान को जानबूझ के खत्म किया गया, प्लान में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं थी। तो ये हमारा मार्केटिंग प्लान है दोस्तों। अब मैं एक चीज और जरूर आपके साथ लास्ट में शेयर करना चाहूंगा, इसको दोबारा आप देखेंगे, क्योंकि पीडीएफ आप लोग मांग रहे थे, पीडीएफ में दे देता आपको समझ में नहीं आता। अब पीडीएफ सामने रखिएगा और इससे आप समझिएगा तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। मल्टीपल प्रोडक्ट अभी मैं क्यों नहीं ला रहा हूं, तो कुछ प्रॉब्लम आती है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। नई कंपनी के लिए जो प्रॉब्लम आती है वो मैं बता देता हूं। नई कंपनी में जो है वो जो है सेंटर वाले फंस जाते हैं, क्योंकि नई कंपनी क्या करती है, कंपनी खोली, अब क्या हम पैसे लेके सेंटर खुलवा रहे हैं, जो कि जरूरी भी होता है, लेकिन क्या होता है सेंटर वाले उसके अंदर फंस जाते हैं। आज जो पुरानी कंपनी हमने छोड़ी उसमें सेंटर वालों का पैसा वापस नहीं किया जा रहा, किसी का 3 लाख फंसा हुआ है, किसी का 5 लाख फंसा हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी सेंटर वाला फंसे, तो अभी हम मल्टीपल प्रोडक्ट फिलहाल नहीं लेके आ रहे हैं जब तक हम बहुत सक्षम नहीं होंगे, जब तक, क्योंकि पुरानी कंपनियों से, पुरानी गलतियों से हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेस्टीज सर 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, आपके सामने है, बहुत बड़ी कंपनी है और आज दुनिया भर के प्रोडक्ट हैं, समय के हिसाब से चले, किसी को देख के नहीं चले। जिस टाइम वेस्टीज ने शुरुआत की थी लोग पैकेज बेच रहे थे, जिस टाइम वेस्टीज ने शुरुआत की बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे थे, लेकिन वेस्टीज अपनी एक आइडियोलॉजी लेके चली कि 2 प्रोडक्ट से शुरू करना है, धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे। उनको भी लोगों ने सलाह दी थी, उनके भी बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए थे। वेस्टीज ने तो उस टाइम पे सप्लीमेंट यूज किया जिस टाइम पे लोग सप्लीमेंट के बारे में जानते नहीं थे, नोनियो स्पिरुलिना से गौतम बाली जी ने शुरू किया और आज इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। तो स्लो एंड स्टडी चलेंगे, अच्छी कंपनियों को फॉलो करते हुए चलेंगे। आरसीएम कंपनी एक कपड़े से स्टार्ट हुई थी सर, आज अनगिनत प्रोडक्ट हैं आरसीएम कंपनी में, सोलन स्टडी चले, हम उनको फॉलो करते हुए चलेंगे, अच्छी चीज सीखते हुए चलेंगे। दूसरा क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी प्रॉब्लम आ जाती है, जब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ना इन्वेंटरी प्रॉब्लम आ जाती है, मैनेज नहीं हो पाता है, वेयर हाउसेस की प्रॉब्लम आ जाती है। 50 प्रोडक्ट लॉन्च कर दो लेकिन पता नहीं कौन एक बड़ा लीडर आ जाएगा, रातों रात बहुत बड़ा बिजनेस आपको देना शुरू कर देगा, ना आपको मालूम है
ना मुझे मालूम है, उस टाइम पे ग्रोथ नहीं है, उसके टाइम पे आपको वेयर हाउस नहीं है, प्रोडक्ट के लिए तो पैसे हैं लेकिन रखने के लिए आपके पास वेयर हाउस नहीं है, तो वो प्रॉब्लम आपके सामने आती है, प्रोडक्ट शॉर्टेज होनी शुरू हो जाती है, बहुत मुश्किल से आप सेंटर पे लोगों को लेके जाते हैं, बहुत मुश्किल से सेंटर पे लेके जाते हैं, अब पता लगा वो सेंटर पे गया, आपने लिस्ट दी उसने, वो कहता है ये आरबीओ तो खत्म हो गया, साबुन तो खत्म हो गया, चाय पत्ती तो 6 महीने से है ही नहीं, वो कहेगा यार किस कंपनी में लाके खड़ा कर दिया यार, ये 3 प्रोडक्ट है, और मैं भैया क्यों आपका साबुन चेंज कराऊं, मैं क्यों आपका शैम्पू चेंज कराऊं। अभी तक इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात, जब ये मैं मीटिंग दूंगा ट्रेनिंग दूंगा उसमें बताऊंगा, हिंदुस्तान के अंदर सर 25 साल हो गए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 लाख रुपए कमाते हैं, उनकी वाइफ उनकी कंपनी का शैम्पू यूज नहीं करती है, वो दुनिया को करा रहे हैं, उनकी वाइफ कहती है मैं शैम्पू यूज नहीं करूंगी, किसी के माँ बाप चाय नहीं पी रहे हैं, किसी का बच्चा पेस्ट नहीं कर रहा है, किसी की लड़की साबुन नहीं लगा रही है, मजबूरी में बेचारा दुनिया भर का सामान लेके जा रहा है, जबरदस्ती लड़ाइयां हो रही हैं झगड़े के अंदर, वो कह रहे हैं पैसा तुम नहीं कमा रहे, सामान भी दूसरी कंपनी का महंगा लेके आ रहे हो, कैसे काम चलेगा। तो हमें किसी का ब्रांड चेंज नहीं कराना है भाई साहब, हमारी कंपनी का एक ही सिद्धांत रहेगा, अपनी हेल्थ पे आप ध्यान रखो, आपकी वेल्थ पे हम ध्यान रखेंगे, और पैसा कमाने के बाद आप किसी भी मॉल में जाओ, किसी भी जगह जाओ, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, हमें कोई ऐतराज नहीं, जो आपकी चॉइस का प्रोडक्ट हो, अपना ब्रांड बदलने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी वाइफ को पेंटीन का शैम्पू अच्छा लगता है, उसको पेंटीन का शैम्पू दीजिए, आपकी बिटिया को कोलगेट अच्छा लगता है, उसको कोलगेट दीजिए, आपके बेटे को लक्स अच्छा लगता है, उसको लक्स दीजिए, आपके पिताजी को टाटा की चाय अच्छी लगती है, टाटा की चाय दीजिए, हमारा उद्देश्य यही है, इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जबरदस्ती हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक मैं देख रहा हूं लोग पैसा तो कमा रहे हैं, उनके बच्चे उनकी फैमिली ही इग्नोर कर रही है, अपने रिश्तेदारों को हम ज्वाइन नहीं करा पाए, अपने दोस्तों को हम ज्वाइन नहीं करा पाए, क्योंकि सब लोग कहते हैं भाई मैं अपना ब्रांड क्यों चेंज करूं, जो इंसान 27 साल से पेस्ट कर रहा है दोस्त, उसको आप एकदम से पेस्ट कैसे चेंज करा देंगे, नहीं कर सकता, फिर उसके लिए हम बहुत सारी चीजें आएंगे अपनाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, तो वो काम तो वैसे भी नहीं होना, डेमो वेमो का सारे काम तारीफें बहुत उल्टी सीधी, वो तो आप कर ही नहीं सकते, मार्च के बाद वो सब तो बंद होने ही वाला है, तो अभी से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है प्राइस कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे आपने देखा कि ओके लाइफ केयर जब स्टार्ट हुई तो डी के सारन ने क्या किया, साबुन में 2 रुपए कम कर दिए, आरबीओ में 10-20-50 रुपए कम कर दिए, और चाय पत्ती में 10-20-50 रुपए कम कर दिए, पेस्ट में कम कर दिए, किस लिए किए थे ईमानदारी से बताना, क्या कंपनी को चलाने के लिए किया था, नहीं, इसलिए किया था कि उस कंपनी की लीडरशिप मेरे पास आ जाए, यही चल रहा है दोस्त। कल भी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं कमर तोड़ दूंगा इस इंडस्ट्री में लोगों की, यार कमर तोड़ने थोड़ी आए हम, एक कंपनी का ऑनर दूसरी कंपनी के ऑनर को प्राइस जानबूझ के रेट करके कमर तोड़ने की बात कर रहा है, और हम इंडस्ट्री को बड़ा करने की बात कर रहे हैं, वाह गजब, ये कौन सी आइडियोलॉजी हो गई भाई। अरे आपको सस्ता देना है तो आप सस्ता दो ना, सामने की कमर तोड़ने वाले की क्यों बात कर रहे हो, वो आप उसकी कमर तोड़ोगे, कल को वो प्लानिंग करेगा आपका सर फोड़ने का। सब कंपनियां अच्छी हैं भाई, सबको काम करने, तो बात खत्म हो गई, जिसकी जितनी क्षमता है निकलवाने वाला निकलवा रहा है भाई, एक चाय पत्ती के 3, 1 राइस ब्रेन रोल के 550 रुपए, तो आपको क्या दिक्कत है भाई, आप अपनी आइडियोलॉजी पे चलो, आप बताओ हम इतने का दे रहे हैं, बात खत्म, आपके साथ लोग जुड़ेंगे। एप्पल ने तो कभी नहीं सोचा कि मुझे सैमसंग की कमर तोड़नी है, मैं भी 5,000-10,000 का प्लान निकाल देता हूँ, सैमसंग को खत्म ही कर देता हूँ। मर्सिडीज ने तो कभी नहीं सोचा कि मैं 10,000 रुपए की मर्सिडीज, मैं भी 5 लाख रुपए की मर्सिडीज, क्या मर्सिडीज 5 लाख की नहीं निकाल सकती, क्या एप्पल 5 लाख 10 लाख का फोन नहीं निकाल सकता, और एप्पल जिस दिन 5 लाख 10 लाख का फोन निकालेगा सबके हाथ में एप्पल होगा, सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। मर्सिडीज अगर 5 लाख की मर्सिडीज 10 लाख की मर्सिडीज निकाल दे, दुनिया में कोई कंपनी गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं, उनकी आइडियोलॉजी है, वो क्वालिटी देते हैं दोस्त, वो किसी की कमर तोड़ने पर काम नहीं करते हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपको अच्छा लगता है आप मेरे साथ हाथ मिला सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है आप वेट एंड वॉच में रह सकते हैं, और प्लेसिंग 3 बजे के बाद लगनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो भी मुझे, क्योंकि थोड़ा सा देखिए पहले क्या था कि मेरे साथ कुछ साथी थे मैं उनको दे देता था, अभी मैं थोड़ा सा अकेला हूँ, और इस बात का ध्यान रखिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अभी भी आप लगातार SMS कर रहे हैं, लगातार इस लाइव में मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे मेरे पास SMS आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए सर, अभी बहुत बड़ा काम हम करने वाले हैं और बहुत ईमानदारी से काम करने वाले हैं, और बहुत बड़ा होगा, हमें ईमानदार मेहनती और समर्पित लोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आपका, और जो मुझसे नफरत करते हैं कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके पास अधिकार है नफरत करने का, आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं किसी को पलट के जवाब देने वाला नहीं हूं, क्योंकि जब तक मैं एक डायरेक्ट सेलर था इस इंडस्ट्री में कहीं भी गलत होता था मेरे पास अधिकार है बोलने का, अब मैं अपनी कंपनी चला रहा हूं, खुद की कंपनी चला रहा हूं, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मैं अपनी कंपनी में अच्छा काम करूं, मुझे फोकस वहां करना है, मैं किसी के बारे में कोई मेरा लाइव बनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाया कुछ लोगों ने मैं नहीं दूंगा जवाब, आप मेरे बारे में गलत बोलोगे मैं नहीं, मैंने बहुत जवाब दे दिए, बहुत जवाब दे दिए, अब हम काम से जवाब देकर दिखाएंगे कि वाकई एक ईमानदार कंपनी खड़ी की जा सकती है, एक बढ़िया कंपनी खड़ी की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इस वीडियो को शेयर कीजिए, YouTube पे भी जाएगा,
दोबारा देखिए, 3 बार देखिए और अपने किसी भी दोस्त को शेयर कर दीजिए। बाकी हम जूम मीटिंग बहुत जल्दी आपके बीच में शुरू करने जा रहे हैं। अभी जो वेबसाइट आएगी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज्यादा वेबसाइट में घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके आप अपनी प्लेसिंग जो है वो फिक्स कर सकते हैं और 15 तारीख के बाद हम लोग आपकी जो आईडी है वो एक्टिव करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।